भाई ऑडियो वीडियो जी एक बार ऑडियो वीडियो चेक करिए फटाफट यस एवरीवन भाई जल्दी जल्दी ऑडियो वीडियो चेक कर लो तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें आज का क्लियर एक बार सारे लोग चेक कर लीजिए फटाफट ऑडियो और वीडियो क्लियर है कोई ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा मैं नहीं चाहता कि कोई भी सेशन के बीच में टेक्निकल इशू रहे तो आप लोग एक बार ज्यादा जबरदस्त तरीके से ऑडियो वीडियो को चेक कर लीजिए कोई लैग वगैरह तो नहीं है आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है आवाज एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है कुछ बच्चे लास्ट क्लास का पीडीएफ मांग रहे हैं तो मैंने उन बच्चों को बता दिया कि आप लोग ना हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको ऐप के उसमें कोर्स में मिल जाएगा मैं क्लास के और चैट में हमने पिन किया हुआ है वो ऐप का लिंक तो आप ऐप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा वहीं से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको एक डेरिवेशन का पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को और एक वन मार्कर क्वेश्चन का भी एक हमने एनालिसिस कर रखा है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है आप लोग सारे लोग

हमने दो चैप्टर्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन छाटे उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया वो सारे क्वेश्चन जो बच्चों को प्रॉब्लम दे सकते थे चाहे वो वन मार्क्स क्यों चाहे वो टू मार्क्स क्यों चाहे वो थ्री मार्क्स क्यों वो फाइव मार्क्स क्यों वो सारी चीजें हमने एनालाइज करी और वो आपके सामने लाकर कल मैंने सवा तीन घंटे के अंदर पूरी सॉल्व करके दिखाई तो बच्चों वही सेशन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेकिन आज के सेशन में पिछली बार से थोड़ा सा अंतर रखा जाएगा क्या अंतर रखा जाएगा सर बच्चों आज की क्लास का जो टॉपिक है ना टॉपिक थोड़ा जबरदस्त टॉपिक है तो इसके लिए मैं आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊंगा इसके लिए मैं आपको बीच बीच में टॉपिक का ओवरव्यू भी देते चलूंगा क्योंकि बच्चों टॉपिक ओवरव्यू से क्या होगा कि आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा खटाखट खटाकट -खट, और साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके मौका मिलेगा उसकी प्रैक्टिस करने का तो आज की क्लास होने वाली है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में दैट इज पहला चैप्टर होने वाला है जिसको हम आज क्रैक करेंगे वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा कैपेसिटर और फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसके बारे में बच्चे फिर से डर रखते हैं अपने बार, अपने दिमाग में दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी तो एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कैपेसिटर और एक चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी इनके साथ हम थ्योरी भी ओवरव्यू करेंगे इसी के साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे चाहे वो वन मार्क को टू मार्क को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक आए हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कैपेसिटर अब जब कैपेसिटर की बात आती है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सर होता क्या है कैपेसिटर तो मैं जल्दी जल्दी बेसिक बेसिक ओवरव्यू देता चलूंगा ऐसे जो छोटे छोटे डिवाइसेस आप अपने मॉडर्न सर्किट्स में देखते हैं इनको हम कैपेसिटर्स के नाम से जानते हैं अब एक कैपेसिटर का, का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी ये एनर्जी को स्टोर करता है और किस फॉर्म में स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड

पोटेंशियल डिफरेंस तो उनकी दो प्लेटों पे चार्ज आ जाता है और चार्ज और हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं हमारी टंकी एनालोगी टंकी एनालोगी क्या होती है सर जरा ध्यान से सुनेगा हमारे घर में जो टंकी उसका काम क्या है उसका काम है पानी को स्टोर करना इसका मतलब जितना ज्यादा पानी उसके अंदर होगा वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो पानी का अमाउंट वो पानी का अमाउंट हमें फील देगा चार्ज का तो मतलब आप जब कहते हैं कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर है इसका मतलब आपके टंकी के अंदर पानी, पानी स्टोर है अब आपके टंकी के अंदर पानी कब ज्यादा स्टोर होगा जब आपकी टंकी में पानी की हाइट ज्यादा होगी इसका मतलब जब आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो पोटेंशियल की फीलिंग आप ले सकते हैं हाइट से और पानी की फीलिंग आप ले सकते हैं चार्ज से तो चार्ज पानी की फीलिंग देगा और हाइट पोटेंशियल की फीलिंग देगी अब बच्चों आप समझदार हैं इतने आप समझदार इतने कि आपको पता है जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा पानी होगा हाँ <expressed untoSean> <Oliver> जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा पानी होगा तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा पानी इसका मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज तो जो चार्ज होता है बच्चों वो सीधा सीधा पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है और इसी में जो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस तो ये होता है हमारा कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मुला क्यूक्वल टू सी जिसको हम C इक्वल टू Q बाय V करके भी लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है इसको फेराड में नापा जाता है फेराड यूनिट सिस्टम थोड़ा बड़ा होता है इसलिए हम माइक्रो फेराड की तरफ मूव करते हैं पीको फेराड की तरफ मूव करते हैं माइक्रो होता है टेन की पावर माइनस सिक्स और पीको होता है टेन की पावर माइनस ट्वेल्व ये बेसिक्स आपको पता होते हैं ये हमारे कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मुला है ना ये क्यू पे डिपेंड करता है ना ये वी पे डिपेंड करता है यह केवल डायमेंशन पे डिपेंड करता है और अंदर भरे हुए मीडियम पे डिपेंड करता है सो इट डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर्स वंस द डायमेंशन एंड सेकेंड द मीडियम इन साइड तो सर दो चीजें कौन सी एक दूसरे से रिलेटेड है चार्ज और पोटेंशियल जो चीज कांस्टेंट है वो है टंकी की डायमेंशन वो है टंकी की डायमेंशन तो वही कैपेसिटेंस की फीलिंग देती है अगर मैं टंकी की बात करूं तो टंकी में अलग हाइट पे अलग पानी स्टोर होगा बॉटल की बात करूं तो बोतल में अलग हाइट पे अलग पानी स्टोर होगा तो हर कैपेसिटर का डिजाइन अलग होता है इस वजह से उसकी कैपेसिटेंस अलग-अलग आती है क्लियर हो गया कैपेसिटेंस क्या होता है हां सर कैपेसिटेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ अब कैपेसिटेंस अगर आपको क्लियर हुआ तो हमारे पास सबसे फेमस कैपेसिटर कौन सा है वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एवरीबॉडी नोस वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है जिसके पास दो प्लेटें होती हैं एक पॉजिटिव प्लेट रखते हैं एक नेगेटिव प्लेट रखते हैं और जो एनर्जी है वो इनके बीच में स्टोर की जाती है तो एक पे चार्ज रख देते हैं प्लस क्यू और एक पे चार्ज रख देते हैं माइनस क्यू और जो भी एनर्जी होगी वो प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाती है सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि अगर इसके कैपेसिटेंस की बात होती है तो इसके कैपेसिटेंस का बड़ा बेसिक सा फॉर्मुला है ए अपसाइल अपॉन डी ये अपसाइल अपॉन डी

या तो याद रखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क् और दूसरा बोलो हाफ सीवी ये दो फॉर्मले तुम्हारे एनर्जी के फॉर्मले हैं इन्हीं दो को यूज करके तुम हमेशा कैपेसिटर के अंदर की, की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन इसके साथ साथ एक टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी अब सर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और किस फॉर्म में स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हुई है तो ये तीसरा टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी 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 डेंसिटी डेंसिटी अब बच्चों होता है पर हो, e यूनिट सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से ओवरव्यू करा दी तो क्या क्या ध्यान रखना है पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मुला ध्यान रखना है दूसरा उसके अंदर की एनर्जी ध्यान रखनी है तीसरा उसके अंदर की एनर्जी डेंसिटी ध्यान रखनी है ये तीन चीजों को तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम अब कुछ क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो तो चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि भैया इससे क्वेश्चन कैसे आते होंगे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा कोई समस्या नहीं आएगी ध्यान से देखिएगा द गिवन ग्राफ दो हजार चौदह के पेपर में द गिवन ग्राफ शोनिए ग्राफ दिया गया है एक हमें क्या पता है क्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट सी इसका मतलब इसका जो स्लोप है ना बच्चों क्यूवी ग्राफ का स्लोप टेन थीटा कैसे बनेगा क्यू बाय से ध्यान से देखिएगा टेन so, थीटा अगर क्यू इक्वल टू सी वी होता है तो क्यू बाय क्यू बाई वी मतलब y by X, बनेगा हमारा सी से इसका मतलब कुछ नहीं है टेन थीटा इसका मतलब इसका ही कैपेसिटेंस है. है ध्यान रखेंगे अब पढ़ते सवाल क्या है फॉर टू कैपैसिटर्स सी वन एंड सी टू बोथ द कैपैसिटर्स हैव सेम प्लेस सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ सी टू इज ग्रेटर देन बेटा क्या लिखा है सी टू का एरिया सी वन से बड़ा है अब बेटा जिसका एरिया बड़ा होता है उसका कैपेसिटेंस बड़ा होता है जिसका एरिया बड़ा होता है उसका कैपेसिटेंस बड़ा होता है और जिसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा तो क्या आप समझ सकते हैं कौन सा ग्राफ इसमें से C2 का है कौन सा ग्राफ इसमें से C1 का है यस yes, सर ये वाला ग्राफ C2 का है और ये वाला ग्राफ C1 का है इतना बेसिक क्वेश्चन

एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस का कोई भरोसा नहीं है वो 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया गया है इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम टू माइक्रोफेराट टू एक्स माइक्रोफेराट उसकी कैपेसिटेंस दो माइक्रोफेराट से बदल बदल के बदल बदल के एक्स माइक्रोफेराट कर दी सवाल पूछ रहा है अगर बताओ डिक्रीज इन एनर्जी है टू इंटू टू दावर माइनस टू तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी तो आपको बताया है कि उसने पहले 200 वोल्ट की बैटरी लगा के एक एनर्जी स्टोर करी, फिर चेंज किया कैपेसिटर माइक्रो बीच का है, है पावर माइनस इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई तो बच्चों पहले लिखते हैं इनिशियल एनर्जी चलो बल्कि जल्दी जल्दी लिखेंगे इनीशल एनर्जी। इनीशल तो C की जगह मैं लिखूंगा दो v की मैं लिखूंगा 200, तो ये हो गई मेरी इनिशियल एनर्जी अब मैं फाइनल एनर्जी लिखता हूं फाइनल एनर्जी में मेरे को क्या बताया गया कि मेरा कैपेसिटेंस बदल दिया गया है कितना कर दिया गया है एक्स माइक्रोफेराड तो एक्स माइक्रोफेराड इन टू लेकिन वोल्टेज तो दो ही रखा ना दादा तो वोल्टेज दो ही रखना है अब दोनों में जो डिफरेंस आया डिक्रीज़ आया, decrease मतलब बड़ा था, था डिक्रीज तो माइनस टू तो आना चाहिए चलिए भैया तो दोनों को जरा डिक्रीज कर लेते हैं तो हाफ टू माइक्रो फेराड दो सो का स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइक्रोफेरा फिर से दो सौ का स्क्वायर ये किसके बराबर आना चाहिए छोटू ये आना चाहिए सर जितना डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है टू इंटू टेन की पावर माइनस टू सर टू इंटू टेन की पावर माइनस टू यह हमारा डिक्रीज हुआ है और यहां से हमें एक्स का आंसर निकालने से कोई नहीं रोक सकता आइए एक्स का आंसर निकालते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां मैं हाफ कॉमन ले सकता हूं दो सौ का स्क्वायर में लिख सकता हूं चालीस हजार तो फोर इंटू टेन की पावर फोर यहां पर बाहर निकाल सकता हूं अंदर बचेगा दो माइक्रो फेराड दो माइक्रोफेराट को टू इंटू टेन की पा माइनस सिक्स लिख सकता हूँ और एक्स देखिएगा समस्या? समस्या। पावर्स कैसे सॉल्व कर लेंगे हम जल्दी से जल्दी सो ये देखिए टेन की पावर माइनस टू ने टेन की पावर यहाँ क्या बना दिया माइनस फोर और यहाँ भी क्या बना दिया माइनस फोर और टेन की पावर फोर ने यहाँ जाकर हड़कम बचा दिया खत्म हो गया खेल तो सारी पावर्स का खेल खत्म हो गया ओके टू ने फोर को कितनी बार मारा टू को और टू ने टू को कितनी बार मारा टू से आंसर देख सकते हैं आप कितना आने वाला है टू माइनस एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू वन माइक्रोफेराड क्लियर सॉरी हाँ ठीक है ठीक है एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स की वैल्यू वन फेराड है आंसर एकदम क्लियर क्रिस्टल ठीक है क्लियर है ओके okay. बेसिक समझ में आ रहा है सर हमें कैपेसिटेंस समझ में आ गया हमें यह समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस के बेसिक क्वेश्चन कैसे दिखते हैं कैपेसिटेंस के एनर्जी वाले क्वेश्चन कैसे दिखते हैं अब बच्चों कैपेसिटेंस में कपैसिटेंस आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जरा नोट कर लो एक छोटी सी बात को कि तुम्हें कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन खुद से करना है है ठीक ये अपनी कॉपी में नोट कर लो कि डेरिवेशन खुद से करेंगे और अगर आपको मेरी जरूरत लगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वहां से आप डेरिवेशन को नोट कर सकते हैं सो so, कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन एक आध बार आए हैं इसलिए इनको नोट कर लो कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज ठीक है आगे देखते हैं अब बात करते हैं सीरीज ऑफ पैनल के आंसर्स कैसे आते हैं तो जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की हाँ जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दो टाइप के हमारे बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं पहला बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर इस तरीके से लगाए जाते हैं कि इनमें सब में चार्ज सेम आए पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू इस पे प्लस क्यू इस पे, पे माइनस क्यू और पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके का होता है जिस पे सब में पोटेंशियल सेम आए ये सारे लोग जानते हैं हाँ सर ये सारे लोग जानते हैं अब मैं बस दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंटली यूज करूंगा वो बातें मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली और सबसे जोरदार बात जब ऐसे में जोड़ते हैं तो सी वन सी को सीरीज में दिखते हैं लेकिन पैरेलल के फॉर्मुले से जुड़ते हैं इसका मतलब ऐसे में सी इक्विवेलेंट का आंसर होता है वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री उल्टे आंसर होते हैं आप सबको पता भी होगा और जब पैरेलल की बात होती है तो सी वन सी टू सी थ्री डायरेक्टली सीरीज की तरह जुड़ते हैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो कभी कभी क्या होता है जाने अनजाने में पता होने के बावजूद भी हमसे गलतियां हो जाती हैं हम लोग वैसे तो याद करके जाते हैं घर से लेकिन वहां प्रेशर में आके हम कभी कभी गलतियां कर देते पैलल में पैलल लगाते हैं सीरीज में सीरीज लगाते जबकि सीरीज में पैलल का आंसर लगता है पैलल में सीरीज ये हो गई बात नंबर एक बात नंबर दो दूसरी बात बहुत जोरदार है ये टाइप के सर्किट्स में आपके वोल्टेज डिवाइड होते हैं और जब आपके वोल्टेज डिवाइड होते हैं और चार्ज सेम है तो याद रखिएगा वोल्टेज डिवाइड होते हैं उल्टे रेशो में कैसे पता क्यू इक्वल्स टू सीवी अब चार्ज क्या हो चुका है कॉन्स्टेंट अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया है तो सी और वी एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं इसका मतलब अगर चार्ज एक सा है तो कैपेसिटेंस बड़ा वोल्टेज छोटा कैपेसिटेंस बड़ा वोल्टेज छोटा इस बात का ध्यान रखा जाएगा वैसे इसके अंदर सबको वोल्टेज सेम मिल गया है इसलिए वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया है और अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया है तो क्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यूक्स टू सीवी क्यू इक्वल टू सीवी और जैसे मैंने आपसे बोला कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो गया है तो बड़ा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज लेके बैठेगा बड़ा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज दोबारा बोलता हूं बड़ा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब किस तरीके से आपको वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ सकता है और कब किस तरीके से आपको चार्ज को डिवाइड करना पड़ सकता है चार्ज सेम रेशियो में आता है जैसा कैपेसिटर घर का बड़ा लड़का ज्यादा मिलेगा ज्यादा इज्जत मिलेगी ज्यादा सारी चीजें रहेंगी तो इस तरीके का जो घर है उसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट और घर का बड़ा लड़का कम इज्जत पा रहा है कम वोल्टेज पा रहा है तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं तो है, है. है. जरा से देखिएगा तो मेरे पास यहाँ पर एक सवाल है जिसमें छोटा सा सर्किट भी है सीरीज पैनल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा और आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा चलिए स्टार्ट करते हैं इन नेटवर्क एक नेटवर्क यहां पे दिया गया है जहां पर चार कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 C4 वी हैव फोर कैपेसिटर्स C1 C2 C3 C4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर तो बच्चों आपको यहां पर एक सर्किट नजर आ रहा होगा एक 8 वोल्ट का बैटरी है ये 12 माइक्रो फैराड ये 4 माइक्रो फैराड ये 6 माइक्रो फैराड और ये 3 माइक्रो फैराड ये कैपेसिटर का जंजाल यहां पे बना हुआ है आपको सवाल में बताना है

टोटल सर्किट क्लियर जी सर तो पहला चटकाया बिल्कुल चटकाया अब अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला कह रहा है ध्यान से पड़िएगा यहां से इफ द चार्जेस ऑनपैसिटर सीवन इज सिक्स माइक्रोकुल अगर हमारे सीवन वाले कैपेस्टिटर पे छह माइक्रोकुल का चार्ज है अगर सीवन वाले कैपेस्टिटर पे माइक्रो कूलम का चार्ज है तो बताओ कितना चार्ज होगा C3 और C4 पे तो बच्चों पहले C1 ढूंढ लो ये रहा C1, इस सीवन कितना चार्ज है माइक्रो कूलम जी सही है जी अब देखो मैंने क्या बताया था चार्ज डिवाइड होता है सेम रेशो में क्या बताया था याद करो चार्ज डिवाइड होता है सेम रेशो में जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ज्यादा चार्ज तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या करना है आपको चार्ज डिवाइड होता है सेम रेशियो में इसका फायदा उठाएंगे अपन लोग जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटर छ है इससे दुगना है इससे दुगना है तो इसका चार्ज भी इससे दुगना होगा जो हाँ, हाँ, हाँ। है है माइक्रो कूलम का चार्ज चार्ज अगर इस पे है, तो इस पे पे तो इसका दुगना होगा अब दुगुना कर दो यहीं पे डायरेक्टली तो बारह कूलम का चार्ज इस पे आ गया तो देखो छह और बारह दुगने का अंतर है तीन और छह दुगने का अंतर है कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया तो वो पहले क्या कर सकते हैं क्यूको से वी निकाल लें और यही वी इसको देखकर इसका चार्ज निकाल लें उससे भी आंसर सेम ही आता है हम कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स यूज करके टाइम बचा रहे हैं तो यहां पर आपने यूज किया यहां पे आपने यूज किया अब बताइए ये और बारह आया तो यहीं कहीं से होगा इसका मतलब अगर हम के सी एल लगाए मतलब लॉ लगाए अपना चार्ज का कंजर्वेशन लगाए तो बारह और छह कहीं यहां से आएगा तो मतलब इन दोनों पे कितना कितना होगा अठारह अठारह बिल्कुल सही समझा आपने इन दोनों पे चार्ज होंगे अठारह अठारह क्लियर है खटारा सॉरी अठारह क्लियर है आठारा। तो तो आपको समझ में अगर आ गया होगा तो ये आपका अगले क्वेश्चन का जवाब हो गया C3 C4 अगली बात करते हैं द नेट एनर्जी स्टोर अब बच्चों एनर्जी तो तुम लोग बढ़िया तरीके से निकालोगे तुम्हें मैंने एक फॉर्मुला और सिखाया था बीच में क्यू तो जल्दी से मैं एक की निकालता हूं दूसरे की तुम निकालना चलो C4 की मैं निकालता हूं C3 की आप लोग निकालें ठीक है C4 की Q square by 2C ध्यान से देखते Q का स्क्वायर 18 18 और बाय 2C C की जगह 12 सॉल्व करेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तिया 6 दुनी दो का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 9 ये आ गया 27 सेवन बाई टू जूल आप देखेंगे तो ये माइक्रो जूल में आंसर आएगा दैट इज थर्टीन पॉइंट फाइव माइक्रो जूल्स तो अगला आंसर आप खुद निकालेंगे ये काम आप खुद करके दिखाइए जी हाँ बिल्कुल 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 ठीक है भाई क्लैरिटी है क्लैरिटी आपको हाँ सर हमें कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया हमें एनर्जी भी समझ में आ गया हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आ गया हमें थोड़ा वोल्टेज के बारे में भी आइडिया लग गया इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं और पेपरों में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे आप कैपैसिटर में नोट कर लीजिए कि आपको कैपेसिटर में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने हैं इस साल तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रही है ठीक थी, है आगे बात करते हैं और देखते हैं अगला टाइप का कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या है बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन और सारे लोग इस टाइप के कॉम्बिनेशन से बड़े वाकिफ होंगे अगर आपने साल भर पढ़ाई करी होगी ना तो आपको इस टाइप के कॉम्बिनेशन को देखते ही याद आ जाता होगा ये एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है यस जरा कमेंट करके बताना कौन सा स्पेशल टाइप अरे यार ऊपर लिखा है आंसर ही लिखा है तो ये बड़ा स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग प्यार से किस नाम से जानते हैं वी कॉल इट द सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हम इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ये देखिए ये नीचे से जा जा रहा है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकिन ये जो है ये ना सीरीज है ना पैरेलल है हम इसको सीरीज भी नहीं कहते हम इसको पैरेलल भी नहीं कहते ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक्चुअल में ये ना कि सीरीज है ना कि पैरेलल है ये स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है और इसी स्पेशल टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं द कॉम्बिनेशन अब बच्चों इस व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखिएगा आपको इसमें ध्यान क्या रखना है मैं बहुत प्यार से बताऊंगा कि अगर आपको इस टाइप का कुछ काजू कतरी ऐसा शेप नजर आता है तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं

ठीक है ऐसे देखो बीसी के बीच में एक आ गया हाँ ऐसे आप देखोगे तो ये पांचों कैपेसिटर अगर जोड़ोगे ना तो इस टाइप की काजू कतरी बन जाएगी अब इसके बाद एक और अगर बैलेंस वीट स्टोन है तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए और अगर ऐसी कोई कंडीशन मैच कर जाती है तो ये बीच का कैपेसिटर कोई काम का नहीं होता बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी अब आप चेक कर लीजिए सी बाई सी इक्वल टू सी बाई सी है यहीं से चेक कर लेते हैं सी बाई सी इक्वल टू सी बाई सी है इसका मतलब बीच का कैपेसिटर कोई काम का नहीं है अब देखिए कितना जल्दी खटाघट खटाघट आंसर निकालेंगे अब ये सारे C किस में हो गए सीरीज में और आपस में किस में हो गए पैरल में और फिर इसके बाद नया सी में होगा पैरल में तो बच्चों सी सी हो गया सी बाई टू है ना सी सी टू सी मत कर देना सीरीज है लेकिन पैरल का आंसर सी 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 बाई टू सी 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 बाई टू C by 2, C by 2 और C. तो बेटा C by 2, C by 2 हो गया C और C C 2 C. अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है तो एक बार आप इसका सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो इसका नेट आंसर आ जाएगा टू सी टू सी प्लीज चेक योर आंसर अगर आपने मेरे साथ सॉल्व किया तो आपका भी आंसर मैच करना चाहिए तो फिर से दिखाता हूं सी 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 बाई टू सी 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 बाई टू हो गया सी और फिर सी और सी नीचे मिला के टू सी इस तरीके से इसका ओवरऑल आंसर आएगा ये वीट स्टोन का बढ़िया सा क्वेश्चन था आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड है अब बच्चों एक एग्जाम्पल में बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आरसी सर्किट से रिलेटेड है डरिए मत आरसी सर्किट आपको पूरा पढ़ना नहीं है लेकिन आपको ना कैपेसिटर का एक बिहेवियर पता होना चाहिए कैपेसिटर एक बहुत चालाक किस्म का आदमी होता है अगर उसका पेट भर जाता है

अब इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है तो चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं एक्साम्पल में किस टाइप का क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना है देखिएगा अ कैपेसिटर ऑफ इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट तो आपका फोर माइक्रोफेराट का एक कैपेसिटर है और वो सर्किट में लगा हुआ है अब बच्चे सर्किट देख के थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उनको रेजिस्टेंस भी दिखता है कैपेसिटेंस भी दिखता है डरने की कोई जरूरत नहीं है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होने वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी का इंटरनल कितना दिया हुआ है तो मतलब बैटरी के में, बैटरी के में, कर लो एक पॉइंट ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी आपको की प्लेटों पे आने वाला चार्ज बताना है तो बच्चों चार्ज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बहुत ही बेसिक्स यूज करेंगे क्या बेसिक यूज करेंगे हम पहले फीलिंग लेंगे कि व्हेन है Move to the steady state. क्या होता है करंट के साथ क्या होता है चार्ज के साथ कर देगा नहीं बेटा कोई करंट मेरी ब्रांच से नहीं जाएगा अगर तेरी ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा बेटा तो फिर कहां से जाएगा करंट सर वो नीचे नीचे छोटा गोला दिख रहा है ना वही वही करेंट घुमा दो तो देखो बेटा करंट कैसे जाएगा करंट यहां से जाएगा इस तरीके से ऐसे छोटा छोटा गुड़ गुड गुड़ गुड़ गुड गुड चक्कर लगा के वापस आ जाएगा जी सर अब बताइए इस पूरे सर्किट में आपको कितना का आधा तो ओम फील हो रहा, रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना फील हो रहा है सर ढाई ओम फील हो रहा है अगर ढाई ओम रेजिस्टेंस है और ढाई का ही वोल्टेज है तो वी कोस टू आई आर से करंट कितना आ जाएगा एक एम्पियर तो ढाई ओम का रेजिस्टेंस है ढाई वोल्ट का ही तुम्हारा वोल्टेज है तो तुम्हारा करंट कितना आ जाएगा बच्चों एक एमपियर का करंट, तो ये एक एमपियर का करंट इसकी रगों में दौड़ने लग गया हाँ सर कहा केवल नीचे ही नीचे केवल कहा केवल नीचे ही नीचे अब यहां तक तुम्हें समझ में आया अब देखो बहुत प्यार से एक बात बताता हूं इसके पास कोई करंट नहीं है नो करंट तो जिसके पास करंट नहीं उसके पास कोई वोल्टेज नहीं तो इन भैया के पास ना कोई करंट है ना कोई वोल्टेज है लेकिन इसके पास चार्ज है इसके पास चार्ज है तो सारा वोल्टेज इस ब्रांच का इसी के पास है तो देखो इसके पास तो कोई वोल्टेज नहीं है तो सारा वोल्टेज भैया के पास है अब इस ब्रांच का कितना वोल्टेज है वो तुम सबसे नीचे से पता कर लो सबसे नीचे से पता कर लो कितने का करंट है वन एम्पियर का कितने का रेजिस्टेंस है टू ओम का तो वन इंटू टू दो वोल्ट दोबारा बोलता हूं आई आर

फोर माइक्रो फरा टू वोल्टेज कितना मिल गया दुई वोल्ट आंसर देखो एट कूलम्स क्लियर एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट तो देखो ये सर्किट ऐसा था जो बच्चों को डरा देता है ये सर्किट ऐसा था जो बच्चों को कहता है अरे बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा इस बार अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा भाई हम खुद करके दिखाएंगे तो आपको आराम से फील करना है कैपेसिटर का नेचर क्या होता है क्या याद रखेंगे कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है तो वो अपनी ब्रांच के करंट को मार देता है वो अपनी ब्रांच में करंट को आने नहीं देता और उसकी ब्रांच में अगर रेजिस्टर लगा है तो रेजिस्टर की तो ऐसी तैसी हो गई है वो रेजिस्टर को ना करंट मिल रहा है ना वोल्टेज मिल रहा है सारा वोल्टेज कैपेसिटर अपने पास ही एकत्रित कर लेता है इसकी फीलिंग ले लीजिए तो आपका ये सवाल बन जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं और देखते हैं कैपेसिटर में और टाइप के क्वेश्चंस कहां से बनाए जाते हैं अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कैपेसिटर में मैंने देखा है और बोर्ड्स के हिसाब से जो सबसे पेचीदा टॉपिक है सबसे ऐसा बोला जाता है जो बच्चों को बहुत डराता सा है, बच्चों का नाइट मेयर है बच्चे चाहते हैं कि अरे यार इससे क्वेश्चन ना है वो टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग ये वही टॉपिक है जिसको बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर दैट इज इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक इन कैपेसिटर बच्चों ये डायरेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं डायरेक्ट्रिक मीडियम कुछ नहीं होते कुछ इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं सो ऐसे इमेजिन कर लीजिए एक थर्मोकॉल है इट इज एन इंसुलेटिंग मीडियम और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इसको इंसर्ट कर देते हैं जैसी कैपैसिटी की प्लेटों के बीच में ऐसे टाइप के मीडियम को इंसर्ट कर दिया जाता है तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है हमारे कैपेसिटेंस में बढ़ोतरी होती है और कितनी बढ़ोतरी होती है तो अगर आपने पूरे स्लैब को अंदर डाल दिया इसके पूरे डायलैक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंसर्ट कर दिया है तो ऐसे में जो बढ़ोतरी होती है वो k टाइम्स की होती है तो पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो है दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सारे बच्चों को ध्यान रखनी है कि हमारे डायलैक्ट्रिक स्लैब को डालते ही हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाती है हमारे डायलेक्ट्रिक को डालते ही हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाती है नाउ व्हाट इज k k इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ठीक है तो कभी भी दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए अगर मैंने कभी भी एक स्लैब को पूरे कैपैसिटी की प्लेटों के बीच में भरके डाल दिया तो आप समझ जा रहा कि यहां पे कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया होगा बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा ठीक है लेकिन क्या इससे चार्ज भी के टाइम्स बढ़ेगा क्या इससे वोल्टेज भी के क्या टाइम्स बढ़ेगा क्या इससे एनर्जी भी टाइम्स बढ़ेगी क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम्स बढ़ेगी या ये सारी चीजें टाइम्स घटेंगी या ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग को उलझाएंगे वहां पर तो इसलिए ध्यान रखने के लिए मैंने आपको इसमें दो केसेस का ओवरव्यू करवा देता हूं ओवरव्यू कराता हूं टू इंपॉर्टेंट केसेस अब पहला इंपॉर्टेंट केस ध्यान से सुनिएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे हम ना बैटरी को ना कनेक्टेड रखेंगे क्या करेंगे बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे जब हम डायलैक्ट्रिक रहे होंगे हम जब डाल होंगे तो बैटरी विल बी कनेक्टेड कनेक्टेड अब बैटरी रखने से फायदा क्या होगा बैटरी कनेक्टेड रखने से तुम्हारा जो वोल्टेज है वो कभी नहीं बदलता बैटरी क्या करती है बैटरी कसम खाती है क्या मैं वोल्टेज मेंटेन करके रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना भी चार्ज मुझे देना पड़े या लेना पड़े वोल्टेज को कोई चेंज नहीं कर पाएगा बुंदू तो इसलिए हमारी बैटरी की कसम हमें पता होनी चाहिए हमारा बैटरी वोल्टेज कंजर्व करके रखता है वोल्टेज मेंटेन करके रखता है चाहे तो कैपेसिटर अंदर डाला कैपेसिटर के, के तो ऐसे में क्या होगा मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है कौन सा केस है बैटरी कनेक्टेड बैटरी कनेक्टेड

अगर वी बाई डी की आदत डाल लेंगे तो वोल्टेज को डिस्टेंस से डिवाइड करके आंसर मिल जाएगा जवाब देने की कोशिश करेंगे फॉर्मले में आपको बताता चलूंगा कौन से फॉर्मले यूज करके बेटर जवाब दिया जा सकता है तो वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट चार्ज इंक्रीजेस बाय के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट आइए बात करते हैं एनर्जी की अब एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मुला यूज करें सर वो वाला यूज करो ना हाफ क्यों? क्योंकि सर वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं एनर्जी तो हाफ सीवी देखता हूं तो बेटा वोल्टेज तो कॉन्स्टेंट है और सी कितने गुना बढ़ गया के गुना तो इसका भी एनर्जी बोल सकते हैं इंक्रीजेस बाय के टाइम्स बस ये चार चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना ये चार चीजें अच्छे से रिवाइज कर लेना इसी का दूसरा केस क्या होगा दूसरा केस होगा कि पहले वो बैटरी कनेक्ट करेंगे फिर वो डायलैक्ट्रिक डालने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो लोग क्या दिखाएंगे ऐसे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे वाइल इंसर्टिंग द डायलैक्ट्रिक इसको बोलते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो बच्चों अगर मैं आपको डिस्कनेक्ट कर दूं अगर मैं आपको आइसोलेट कर दूं तो फिर ऐसे में आप कभी भी चार्ज की हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे कभी भी कोई भी आपको चार्ज नहीं दे पाएगा न आपसे चार्ज ले पाएगा आपका चार्ज कंजर्व हो जाएगा तो प्लेटो पे जो चार्ज आ चुका अब वो लौट नहीं सकता क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी तो जो चार्जिंग का प्रोसेस हो चुका है जो चार्ज प्लेटो पे इकट्ठा हो चुका है वो इकट्ठा हो चुका है सिंपल तो ऐसे में आपका जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं चाहे आप डायरेक्ट डालो निकालो आधा डालो आधा निकालो कोई डजेंट मैटर डज नॉट मैटर आपका चार्ज हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसमें ध्यान क्या रखना है बात नंबर एक हमारा चार्ज कंजर्व रहने वाला है चार्ज कॉन्स्टेंट अब मैंने क्या बताया था में अगर चार्ज कॉन्स्टेंट होता है तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं C प्रपोर्शनल टू V. अभी C तो K टाइम्स बढ़ी रहा है अभी C तो K टाइम्स बढ़ी रहा है तो वोल्टेज को K टाइम्स घटना पड़ेगा वोल्टेज डिक्रीजेस बाय K टाइम्स ठीक है वोल्टेज डिक्रीजेस बाय K टाइम्स इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस बाय के टाइम्स तो वोल्टेज के टाइम्स घट जाएगा अच्छा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, yes, है? तो है, तो है। इसीलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हरकतें ध्यान रखिएगा और लास्ट बात करते हैं आपके एनर्जी के बारे में और एनर्जी के लिए आप फॉर्मुला यूज कर सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय टू सी और अगर क्यू स्क्वायर बाय टू सी देखे तो सी नीचे के टाइम्स बढ़ चुका है और क्यू आपका कांस्टेंट रहा है तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी से यहां से एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस बाय के टाइम्स ये सारी बातें आपको कैपेसिटर में जबरदस्त तरीके से ध्यान रखनी है ठीक है तो ये हो गई वो बातें जिसमें आप इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज भी हो रही चीजें और ये है जिसमें सब चीजें डिक्रीजी डिक्रीज हो रही है क्योंकि चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, है वोल्टेज डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज और एनर्जी भी डिक्रीज क्लियर तो ये चार पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए तो कब क्या हरकत होती है हमारे कैपेसिटर के अंदर इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों ऐसा टाइप का केस अलग पूछा जाता है ऐसे टाइप का केस अलग पूछा जाता है अब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है तो चलो मैं आपको दिखाता हूं तो ये देखो 2010 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था आप पढ़ोगे और सारी चीजों का जल्दी खटाखट खटाखट जवाब देंगे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं जैसे मैंने किया बट अभी हम फटाफट फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो भाई अब पैरल प्लेट कैपेसिटर चलो अब पैरल प्लेट कैपेस्टर ईच विद प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल एक कैपेसिटर लिया जिसका प्लेट एरिया ए है जिसके बीच का डिस्टेंस डी है और उसको वी वोल्टेज तक चार्ज करा गया द बैटरी यूज टू चार्ज इट रिमेन्स कनेक्टेडो पढ़ो अच्छे से क्या लिखा है रिमेन्स कनेक्टेड मतलब आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा हमेशा ध्यान रखिएगा अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज नाउ प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स

मैंने आपको पिछली जस्ट पांच मिनट पहले जस्ट पांच मिनट पहले ही आपको अभी पिछली स्लाइड में ही बताया था कि कैपेसिटेंस के, के साथ हमेशा क्या होता है क्या कैपेसिटेंस घटेगा बढ़ेगा या क्या होगा यस yes. सो so, कैपेसिटेंस सीधा सीधा कह दे हम लोग इट इंक्रीजेस बाय के टाइम्स इट इंक्रीजेस बाय के टाइम्स कोई समस्या नहीं कोई शर्म नहीं कोई लिहाज नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस के, के बारे में कमेंट करने में कोई शर्माना नहीं चाहिए ठीक है so, सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स होगी बात नंबर एक अगली बात करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं चलो पहले चार्ज के बारे में कमेंट कर दो बैटरी बैटरी कनेक्टेड है अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कौन कांस्टेंट होता है वोल्टेज कांस्टेंट होता है और अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो तो भैया चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी मतलब चार्ज इंक्रीजेस बाय के हां जी आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस पोटेंशियल ठीक है तो constant, कर अगर आपके थ्योरी स्ट्रॉग है ना यू विल क्रैक इट इन सेकेंड्स ठीक है चलो अभी ध्यान से देखो कि ऐसा ही नहीं हुआ था केवल यही क्वेश्चन आया था उसी साल दूसरे पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सेम चीजें दी गई हैं बस थोड़ा सा अंतर किया गया है पढ़ेंगे सवाल करेंगे सवाल अब पैरल प्लेट इज अ कैपैस प्लेट इज बाय अ बैटरी एक प्लेट कैपैसिटर को कैसे चार्ज किया गया एक बैटरी से चार्ज किया गया आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड थोड़ी देर बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया चमक गया चमक गया दिमाग क्या कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा चार्ज so, कांस्टेंट रहेगा मैं पहले ही लिख देता हूं ठीक है चलो विद इट्स थिकनेस इक्वल टू द प्लेट सेपरेशन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स और प्लेट्स के बीच में डायरेक्टेड को भर दिया गया हाउ विल द कैपेसिटेंस विल बी चेंजिंग अरे यार ये बार बार क्यों पूछते हो हमको पता तो है के टाइम्स इंक्रीमेंट होगा ठीक है चलो अगला

और आपका सी के टाइम्स कम हो गया तो फिर इस वजह से के टाइम सॉरी सी के टाइम्स बढ़ गया तो इस वजह से एनर्जी K डिक्रीज। सही है अच्छा एक बात ध्यान रखोगे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं जब भी तुम्हारी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए क्या बोला मैंने जब भी हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए एक बार और बोलू जब भी हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए चार्ज कांस्टेंट रहेगा बाकी सारी चीजें टाइम्स घटा देना वोल्टेज के टाइम्स घटा देना चार्ज के टाइम्स चार्ज कॉन्स्टेंट है वोल्टेज के टाइम्स घटा देना इलेक्ट्रिक फील के टाइम्स घटा देना एनर्जी के टाइम्स घटा देना यही सब पूछा जाता है इन सारी चीजों को के टाइम्स घटा देना याद रहेगा यस सर अब कभी कभी क्या होता है सवाल थोड़े से पेचीदे पूछे जाते हैं अभी मैं क्या कर रहा था बहुत बेसिक सवाल दे रहा था जिसके क्वेश्चन बहुत आंसर्स बहुत आसान आसान से लग रहे थे राइट क्योंकि मैंने पढ़ा भी दिया बीच में है ना अभी कभी क्या होता है बीच में ऐसी चीजें आ जाती है जो पढ़ाई नहीं जाती लेकिन हाँ आपको आंसर देने के लिए यही कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा चलो तो अगला सवाल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इट इज अगेन रिलेटेड टू डायलेक्ट्रिक ओनली लेकिन सवाल को आराम से पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर तरीके से सवाल बैठे 2011 के पेपर में ऐसा टाइप का सवाल देखने को मिला और केवल 11 में नहीं चौदह में सोलह में ऐसे टाइप के रिपीटेड सवाल आए हैं तो मैं नहीं चाहता कि इस साल के पेपर में आपसे इस टाइप का सवाल छूटे इसलिए आने वाले पांच मिनट के लिए इस सवाल को जबरदस्त तरीके से सॉल्व करिएगा क्योंकि ये सवाल आने की सुपर उम्मीद है सुपर उम्मीद मतलब सबसे ज्यादा चांसेस है मोस्ट प्रोबेबल सवाल है इस साल का चलो आराम से पढ़ेंगे टू कैपैसिटर वन माइक्रोफ्रॉड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ सिक्स वोल्ट तो बेटा दो कैपेसिटर है आपके पास दोनों एक एक माइक्रो फेराड के हैं तो एक माइक्रो फेराड ये रहा एक माइक्रो फेराड ये रहा और छह वोल्ट की बैटरी से बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है नो no प्रॉब्लम तो छह वोल्ट की बैटरी इसको भी छह वोल्ट दे रही है छह वोल्ट की बैटरी इसको भी छह वोल्ट दे रही है दोनों बढ़िया तरीके से पैल कनेक्शन है ठीक है इनिशियली स्विच इज क्लोज और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है स्विच की बड़ी इंपॉर्टेंस है ये स्विच अभी बंद है बंद है मतलब ये वोल्टेज इसको भी मिल रहा है 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 दोनों को छह छह वोल्टेज मिल रहा है फ्टर समाइम एस इज लेफ्ट ओपन अब मजा आना स्टार्ट होगा अब थोड़ी देर के बाद जब इनकी चार्जिंग हो गई होगी जब इनपे चार्ज आ गया होगा अब आपने एस को खोल दिया एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थ्री आर इंसर्टेड टू फिल द कंप्लीट स्पेस बिट्वीन द प्लेट ऑफ द टू कैपैसिटर अब डाला गया डायलैक्ट्रिक स्लैब तो डायलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया थ्री डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का दोनों प्लेटों के बीच में एक में नहीं दोनों में लेकिन स्विच को ओपन रख के देखो पढ़ो यहां से आफ्टर सम स्विच इज लेफ्ट ओपन तो स्विच को खुला छोड़ दिया स्विच को खुला छोड़ दिया और अब इसके अंदर डायरेक्ट्रिक और इसके अंदर डायरेक्टिक दोनों के अंदर डायरेक्टेड डाल दिया अब सवाल ये पूछ रहा है हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल बिटवीन

आपका C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है यस yes. क्या आपके स्विच को ओपन रखने से क्या आपका बैटरी अभी भी C1 से कनेक्टेड है yes. और क्या स्विच को ओपन तो C1 वाला बैटरी कनेक्टेड के के केस में रहेगा इसका मतलब इसका वोल्टेज डायलेक्ट्रिक के पहले और डायलेक्ट्रिक के बाद दोनों केस में छह ही रहेगा यस yes. जी यस yes, जल्दी 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 फटाफट फटाफट यस नो यस नो यस नो, नो हो जाए जल्दी जल्दी यस yes, तो अगर मैं कहूं कि इस बार इसके बारे में बात करिए तो पहले ये बैटरी से कनेक्टेड था बट स्विच ओपन करने के बाद के बाद ये भी भी तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है तो मतलब इसके वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आया होगा और इसका चार्ज के टाइम्स बढ़ गया होगा यस तो हम क्या करेंगे हम इसके बारे में लिखेंगे किसके बारे में सीवन के बारे में तो मैं यहां लिखूंगा सीवन आफ्टर, बिफोर डायलेक्ट्रिक बिफोर डायलैक्ट्रिक एंड आफ्टर डायलैक्ट्रिक इंसर्शन, बैटरी वॉज कनेक्टेड बैटरी हमेशा कनेक्टेड थी और बैटरी कनेक्टेड की वजह से उसका वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा और वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगा तो चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अब बच्चों पहले कितना चार्ज था क्यू इक्व टू सीवी क्यू इक्व टू सीवी सी कितना है वन वी कितना है छह तो चार्ज था छ माइक्रोकुल और आप थ्री टाइम्स बढ़ा दो के वैल्यू थ्री है तो थ्री टाइम्स बढ़ा दो

C1 की बैटरी अभी भी कनेक्टेड रही और C1 की बैटरी अगर अभी भी कनेक्टेड रही तो C1 का वोल्टेज कंजर्व रहा चार्ज के टाइम्स बढ़ गया आइए बात करते हैं हैं के के बारे में देखते कितने बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं। क्या C2 के लिए स्विच ओपन होने के बाद दोबारा बोलू सी के लिए स्विच खुलने के बाद बैटरी कनेक्टेड हो गई या बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई सी के लिए स्विच खुलने के बाद बैटरी कनेक्टेड रही या बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई C2 के लिए यस एवरी वन जी, C2 के लिए C2 के लिए क्या C2 के लिए स्विच खुलने के बाद बैटरी कनेक्टेड रही है बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई हाँ फटाफट फटाफट इट गॉट डिस्कनेक्टेड यस तो बच्चों अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर इसका क्या कंजर्व रहने वाला है इसका चार्ज कंजर्व रहने वाला है और चार्ज कितना है सर चार्ज पहले से था सीवी दोनों पैरल में लगे थे सीवी तो चार्ज पहले था सीवी C की जगह हमारे पास था वन और V की जगह हमारे पास था 6 तो बेटा छ भी था और माइक्रो कूलम का चार्ज तुम पे बाद में भी रहेगा no issue, no issue. ये तुम्हारा चार्ज कंजर्व रहने वाला है चिंता ना करो लेकिन क्या होने वाला है तुम्हारा वोल्टेज घटने वाला है सर कितना सर K टाइम्स घटने वाला है तो वोल्टेज पहले कितना था छह छह का K टाइम्स घटा दो तो नया वोल्टेज हो जाएगा छ बाय के और के है तीन तो नया वोल्टेज हो जाएगा दुई वोल्ट कितना वोल्ट ये आंसर्स आपको बताने तो जबरदस्त क्वेश्चन था और ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जिसमें डायलेक्ट्रिक डाला जाएगा आपको आराम से चिंता करे बिना सोचना है कि, कि किसको बैटरी कनेक्टेड रही किसकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई इस टाइप के छोटे छोटे पेचीदे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं में अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक भी एक जबरदस्त टॉपिक है क्या मतलब हुआ कभी कभी वो कहते हैं कि भैया इतना बड़ा डायलेक्ट्रिक है ही नहीं हमारे पास हम पे छोटा डायलेक्ट्रिक है तो कभी कभी वो क्या करते हैं इतने बड़े छोटा डायलैक्ट्रिक डालते हैं मतलब पूरी स्पेस को फिल नहीं करते हैं बच्चों अगर पूरी स्पेस को फिल नहीं करते हैं तो ऐसे टाइप के डायलेक्ट्रिक को कहते हैं पार्शियल डायलेक्ट्रिक और पार्शियल कभी, कभी नहीं बढ़ाना होता तो सर कैसे ध्यान रखना है आपको नया कैपेसिटेंस का फॉर्मुला ध्यान रखना है ए नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के तो बेटा

तो इसलिए ये फॉर्मुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कैपेसिटेंस का क्वेश्चन करना चाहते हैं पार्शियल डायलेक्ट्रिक का करना चाहते हैं या डी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है टी आपके स्लैब की थिकनेस है स्लैब की थिकनेस है उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और बीच में माइनस प्लस जो लगे हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने है सो ए अप साइलॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के ठीक है ये फॉर्मूला याद हो गया ये तुम्हारे पार्शियल डायलेक्ट्रिक का फॉर्मुला है कौन सा पार्शियल अगर फुल्ली फिल कर दूंगा ना तो फिर दिमाग दिमागी नहीं लगाना फिर तो सीधा लिख देना है के टाइम्स लेकिन अगर पार्शियली फिल किया तो पार्शियॉर्मुला है अपॉन बाय अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन क्वेश्चन कराता हूं जो पार्शियल से रिलेटेड है आराम से करेंगे बड़बड़ी नहीं मचाएंगे क्वेश्चन के पहले पार्ट पे थोड़ा ज्यादा जोर मारेंगे अगले दो पार्ट्स के मैं आंसर लिख के दिखा दूंगा कैसे कैसे आंसर निकालेंगे थोड़ा टाइम वहां पे बचाएंगे ठीक है जरा क्वेश्चन देखना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में क्या आया था कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से दिखाता हूं टू माइक्रोफेराट पैरल प्लेट कैपेसिटर है हंड्रेड वोल्ट डीसी पर ही पहले एक बार और दोबारा पढ़ लो क्या लिखा है एक दो सो माइक्रोफेराट का कपासिटर है जिसकी प्लेटो के बीच का गैप पांच अमम है मतलब मिलीमीटर है और सौ वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है एक डायग्राम बना ले छोटा सा तो देखो दो सो माइक्रोफेराट का कैपेसिटर है पांच अमम का गैप है और सौ वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है कितने वोल्ट का सौ वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ये पहले से दिया गया है और दो सो माइक्रोफेराट का है यहां तक पहले से दिया गया है यस सर अब देखो इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स देखो यहां से तुम्हें तो हर बार एक चीज मिलेगी रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स मतलब सौ वोल्ट कंजर्व रहा वोल्टेज कांस्टेंट रहा तो इट रिमेन्स कनेक्टेड टू सोर्स यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डबल्ड इंसुले पहन के या बढ़िया से इंसुलेटिंग uh, हैंडल्स का इस्तेमाल करके आपने प्लेटों के बीच के गैप को डबल कर दिया गैप को डबल कर दिया मतलब पांच एमएम mm की चीज को कितना कर दिया दस एम mm. तो अभी नया डायग्राम बनाते हैं और प्लेटों के बीच के गैप को कर देते हैं टेन एम एम ठीक है तो ये हो गया नया गैप लेकिन क्या ध्यान रखिएगा बैटरी कनेक्टेड झटका खा जाओगे पहने रखना 100 वोल्ट का जो बैटरी है वो लगातार आपका कनेक्टेड रहने वाला है ठीक है जी क्लियर है अब ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से यहां से एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 5 एमएम एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंटेन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स यहां से क्वेश्चन जबरदस्त हो रहा है mm पूरा तो पांच तो एमएम mm, तो मतलब का, तो mm का डायलेक्ट्रिक डाल दो जिसके डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है दस ये हमने इसके अंदर डायरेक्ट्रिक मीडियम भर दिया अब सवाल क्या पूछा आराम से देखते हैं

तो आंसर था ए अपसाइल अपॉन डी जिसकी वैल्यू कितनी थी दो सो माइक्रो पहले से याद है हमें कि 200 माइक्रो फराड पहले की वैल्यू थी लेकिन अब कितना हो गया ए अपसा डी माइनस क्लियर अब देखना जरा थिकनेस कितनी हो गई तो बच्चों अब ध्यान रखिएगा अब ए नॉट पहले तो आपने डी को कितना किया डबल डी डी को कितना किया डबल डी तो यहां पर आ गया टू डी भाई पांच को दस किया ना तो तो को को किया, आ आ गया गया, अगर आपको करनी है, कर कर लो, मैं अभी ऐसे लिख रहा कितना दिया और कितनी करी, अब थिकनेस लेकिन अब थिकनेस कितनी है पांच जिसमें स्लैब डाला गया तो माइनस डी प्लस डी बाई के और के वैल्यू कितनी है दस थोड़ा सा जल्दी आंसर निकालने के लिए मैं ये सब स्टेप्स फॉलो करता हूँ mm mm दस तो, mm तो यहाँ तो मतलब mm तो तो करना पड़ेगा टू डी लेकिन थिकनेस ऑफ द स्लैब इज पांच तो वहीं लिख दिया डी तो यहाँ से जल्दी आंसर निकाल लेता हूँ ये मेरे स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे तो अगर मैं इसको डी लिखू डी प्लस डी बाई टेन करूं तो यहां से आ जाएगा इलेवन डी बाई टेन इलेवन डी बाई में टेन ऊपर भेजते हैं तो यो जाएगा 10 11 200 चमक गया है जी हाँ बिल्कुल चमक गया है तो देखो कैसे हमने आंसर निकाल लिया देखा आपने जबरदस्त तरीके से ये आप सी इक्विवेलेंट का आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं तो कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कौन सा ये पार्शियल डायलेक्ट्रिक का फॉर्मुला है अच्छा इसके अगले सवालों के आंसर मैं ऐसे बताता हूँ कैसे निकालने होंगे अगर सवाल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोलोगे वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस से बनेगी वोल्टेज कितना है बच्चों सो हाँ, सो तो कंजर्व रहा है ना तो वोल्टेज कितना रहा हमेशा सो और डिस्टेंस पांच से कितना हो गया दस तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे तो बेटा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था हाफ नॉट ई स्क्वायर दोबारा बोलू हाफ नॉट ई स्क्वायर और जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिया आपको एनर्जी आपकी में होगी तो हाफ e हो yes, तो आ रहा है? कि हमें में क्या -क्या पढ़ना है पहले हमें बेसिक कैपेसिटेंस के बारे में पता होना चाहिए दूसरा हमें कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए तीसरा हमें कैपेसिटेंस में डायलेक्ट्रिक डालना बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिस्कनेक्ट केस पता होने चाहिए चौथा हमें पार्शियल डायलेक्ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए चलिए बात करते हैं पांचवे पॉइंट के बारे में पांचवी चीज जो कैपेसिटर में पता होनी चाहिए वो है मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स अब मजा आएगा आप लोगों को अब यहां से मल्टीपल डायलैक्ट्रिक्स की बातें करेंगे तो बच्चों दो साल लगातार मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसलिए हमको मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से कवर कर लेना चाहिए आइए बात करते हैं मल्टीपल डायलैक्ट्रिक्स में कैसे काम चलता है ठीक है हम्म ध्यान से मल्टीपल डायलेक्टिक्स तो टू स्लैब्स ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू के एंड के आर फिल्ड फिल्ड स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया एंड प्लेट सेपरेशन शोन इन द फिगर फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम आपको एक्सप्रेशन बताना है कितना आएगा इसके कैपेसिटेंस का क्लियर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है करते कैसे ध्यान से सुनिएगा आपको कितने स्लैब नजर आ रहे हैं सर दो अगर दो स्लैब नजर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है इसको दो कैपेसिटर के फॉर्म में डिवाइड करना है तो आप यहां पर क्या करेंगे कैंची मारेंगे कट 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 और बस यहां से दो अलग अलग स्लैब्स को बना करके दो अलग अलग कैपेसिटर बना देंगे तो एक कैपेसिटर आपका तैयार हो जाएगा थोड़ा छोटा एक कैपेसिटर तैयार हो जाएगा थोड़ा मोटा ये जो छोटा कैपेसिटर तैयार हुआ है इसके अंदर जो मीडियम भरा है वो है 2k और जो ये मोटा कैपेसिटर है इसके अंदर जो मीडियम भरा है वो है k इस छोटे कैपेसिटर की थिकनेस है d/3 इस मोटे कैपेसिटर की थिकनेस है 2d/3 अब बच्चों इसका c इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं हाँ सर तो इसका आंसर हो जाएगा a एप्सिलोन नॉट अपॉन d/3 2k ये इसका कैपेसिटेंस हो गया ये इसका कैपेसिटेंस हो गया और अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपसा नॉट अपॉन टू डी बाई थ्री अपॉन टू डी बाई थ्री इन टू के हो गया। ये दोनों कैपेसिटेंस आप बढ़िया तरीके से निकाल सकते थे यस सर ए अपसाइल अपॉन डी तो हमें पता ही था तो बेटा डी नीचे रखो डी बाई थ्री और के अंदर रखो तो जहां के वहां के रखो जहां टू के वहां टू के रखो अब देखो ये थ्री उचक के कहां पहुंचेगा ऊपर तो ये कितना बना लेगा सिक्स तो इसका कुल आंसर कितना होने वाला है सीवन सीवन का आंसर कितना होने वाला है 6 a अपसाइल नॉट अपॉन d इन टू के ये सीवन होने वाला है ऐसे ही सी टू क्या आंसर होने वाला है सी टू हेलो सी टू सी टू कितना होने वाला है ध्यान से देखो थ्री ऊपर पहुंचा तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री a अपसाइल नॉट अपॉन टू डी तो ये हो गया सीवन ये हो गया सी अब अब तुम्हें समझ समझ में आ गए? हाँ, हाँ, सर समझ में आ आ गए 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 सर क्लियर हो गए। अब C1, C2 कैसे सीरीज़ छाप दो बेटा वन बाय सी प्लस वन बाय सी टू आपको जो चीज कॉमन दिख रही है ना खटाखट कॉमन खेचा करो आदत डालो कॉमन चीजों को खेचने की तो देखो एफ डी इंटू के कॉमन लो फटाफट एफ सैलोड डी इन के कॉमन लो फटाफट सिक्स और थ्री बाई टू का फटाफट एलसीएम एल्सियम लेके अपना आंसर खुद बनाओ तो इसके आगे के स्टेप्स आपके आप खुद से आंसर बनाएंगे और इसका आंसर चमका के आगे बढ़ जाएंगे तो मल्टीपल स्लैब्स में आपको क्या काम करना है मल्टीपल स्लैब्स में जैसा कि आपको दिख रहा है जहां पे स्लैब की कटिंग आ रही है वहां पे कट मार के दो अलग अलग कैपेसिटर ट्रीट करके सीरीज पैरेलल का गेम खेलना है तो ये गेम के रूल्स बड़े सिंपल हैं आपको कट मारना है सीरीज़ के 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 के, एक और दिखाता हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो जाएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आने को मिलता है चलो देखो आराम से मुंडी इधर रखो देखो आराम से 2011 के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था टू आइडेंटिकल पैल प्लेट कैपेसिटर सी एंड सी दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं C1 और C2 तो एक आपको दिख रहा होगा C1 एक दिख रहा होगा C2 दोनों आइडेंटिकल है आइडेंटिकल मतलब सेम सेम अरे सेम सेम भैया सेम सेम है दोनों ठीक है आगे देखिए हैव कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस C ईच दोनों का C था द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद एज शोन अब इन दोनों के बीच में डायलेक्ट्रिक डाला गया जैसा कि आप देख सकते हैं कि C1 के अंदर पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया लेकिन C2 के अंदर दो भाग में डायरेक्टिक डाला गया एक भाग K1, एक भाग K2। तो आपको दिख रहा होगा अगर यहां से इमेजिन करें यहां से इमेजिन करें तो इस वाले भाग में K1 है और इस वाले भाग में K2 है मतलब ये दोनों पैरल में लगे हैं राइट तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एरिया आधा आधा घेरे हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरल है पिछली बार ये दोनों एक दूसरे के सीरीज थे इस बार ये दोनों एक दूसरे के पैरल है इस बात का आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं इफ द टू कैपैसिटर स्टिल कैपेसिटेंस अगर दोनों के कैपेसिटर का मिला के, वही आ रहा है जो पहले था आपको बताना है ऑप्टेन द रिलेशन बिटवीन के के वन एंड के टू के के वन एंड के टू के बीच में जल्दी से आप एक रिलेशन बना लें चलो रिलेशन बनाना स्टार्ट करें बहुत ही आसान पहले इसका कैपेसिटेंस बताते हैं ये तो बहुत ही आसान है सीधा सीधा बोलो k टाइम्स ऑफ c पहले कितना कैपेसिटेंस था c जिसकी वैल्यू कितनी थी a a d d तो k times of a upon d, ये हो गया हमारा प्यारा सा सुंदर सा क्यूट सा c1 अब बात करते हैं c2 की c2 बनाए दो चीजों से एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से दो से बनाए यस सर एक में भराए k1 एक में भराए k2 जी हाँ एक में भराए k1 एक में भराए k2 अब इसका बताइए कितना आंसर बनेगा सर इसका आंसर हम बताएं हम बताए हम बताए ए बाई टू हा एरिया आधा हुआ है ना ए नॉट अपॉन डी बिल्कुल सही तो इसका आंसर होगा ए बायू नॉट अपॉन डी लेकिन तुम कुछ भूल तो नहीं रहे अरे भूल गए भूल गए भूल गए के वन मल्टीप्लाई करना क्योंकि इसके अंदर डायलेक्टिक भरा है के वन अब चाहे इसी तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से के टू के बारे में बात करो ए बायटू अपसाइल अपॉन डी अरे भूल गए नहीं भूले नहीं भूले नहीं भूले के टू तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के कैपेसिटेंस तैयार है पैरल में तो सीरीज का आंसर अच्छा लगता है बुंदू। तो इन दोनों को एड करके सी टू बना लो तो सी टू बन गया ए सी टू सी टू बन गया ए एनोट अपॉन टू डी के वन प्लस के टू एनॉट अपॉन टू डी के वन प्लस के टू तो बच्चों यहां से आपका सी टू तैयार हो गया यहां से आपका C1 तैयार हो गया कह रहा है क्या कह रहा है कि C1 सी टू इक्वल है अगर C1 सी टू इक्वल है तो एपॉन डी इंटू के इज इक्वल टू ए अपसाइल नॉट अपॉन टू डी इंटू के वन प्लस के टू क्या यहां से के वन के टू और उसमें रिलेशन आ जाएगा हाँ आ जाएगा क्या आएगा सर के इक्वल टू हांजी सर के इक्वल टू वन प्लस के टू बटे दो ये तो हम ऐसे ही बता देते नहीं बेटा ऐसे थोड़ी ना बताते यही तरीका है सही इसी तरीके से आपका आंसर बनेगा अरे क्या हो गया भाई, भाई, भाई जाना कहाँ जाना है हाँ ये यही आंसर होगा सही डन क्लियर तो आप कर पाओगे मल्टीपल डायलैक्टिक्स हाँ पार्शियल डायलेक्टिक्स हाँ हाँ बैटरी कनेक्टेड ओ बैटरी डिस्कनेक्टेड <laughs> है ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आएंगे ये सारे क्वेश्चन कैपेसिटेंस के बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब तुमसे बनने चाहिए तभी तो मजा आएगा इस बार पेपर में तो चार तारीख के पेपर के लिए तैयार रहिए भैया चार तारीख के पेपर में कैपेसिटेंस के जो क्वेश्चन से फंसने वाले हैं गारंटी देता हूं मैं आपको ठीक है चलिए आगे बात कर आगे बात करते हैं और देखते हैं कैपेसिटेंस में कुछ और कॉन्सेप्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट है येट टू बी शेयर्ड मतलब अभी बच्चे हैं जो हमें जो हमें डिस्कस करने चाहिए वो कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं चलिए अगला कांसेप्ट मैं अपनी क्लास में एक जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूं जिसका नाम है बहुत बच्चे जितने मेरे ऑफलाइन वाले जानते हैं वो जानते हैं इसका नाम है शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर कैपेसिटर में चार्ज की शेयरिंग कैसे करवाते हैं अब बच्चों शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो हाउ शेयरिंग टेक्स प्लेस जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को हम अगर किसी एक खाली टंकी को एक भरी हुई टंकी एक टंकी लिए हमने जिसमें हमने मोटर लगाई और मोटर से टंकी को भरा घड़ गड़ मोटर ऑन करी की मोटर से पानी भर गया अब मोटर से पानी भर गया पानी भर गया इसके अंदर भैया पानी भर गया हाँ तो पानी भर गया कुछ हाइट तक राइट और पानी भर गया कुछ अमाउंट का तो हम जानते हैं हाइट को हम कहते हैं वोल्टेज हाइट को हम कहते हैं वोल्टेज और पानी के अमाउंट को हम कहते हैं चार्ज राइट तो पानी का अमाउंट हो गया चार्ज और हाइट को हम कहते हैं वोल्टेज फीलिंग आ गई यस सर अब मान लीजिए एक और टंकी है और ज्यादातर जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं

एक की बोतल का पानी दूसरी की बोतल में जाएगा एक टंकी का पानी दूसरी की टंकी में जाएगा लेकिन क्या पानी बराबर हो जाएगा यह नहीं बोलना है हमेशा क्या बोलना है जब पानी की हाइट बराबर हो जाएगी तो पानी की शेयरिंग होगी पानी पानी रे पानी की शेयरिंग होगी लेकिन तब तक शेयरिंग होगी तब तक शेयरिंग होगी जब तक दोनों में पानी की हाइट बराबर नहीं हो जाती कहने का मतलब है दोनों में वोल्टेज सेम नहीं हो जाता ध्यान रखिएगा पानी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है पानी का अमाउंट अलग अलग हो सकता है दोनों में लेकिन पानी की हाइट सेम होनी चाहिए फाइनली इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर जब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो उनका जो फाइनल वोल्टेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए कॉमन होना चाहिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखा जाएगा कि ओवरऑल जो पानी है वो कंजर्व रहने वाला है तो मान लीजिए इसके अंदर बीस लीटर पानी था बीस लीटर में से अभी छह लीटर उसकी तरफ चला गया तो अभी भी बीस माइनस बोले तो चौदह लीटर इसके पास होना चाहिए ओवरऑल पानी कंजर्व रहेगा तो दो चीजें ध्यान रखेंगे फाइनल वोल्टेज फाइनल वोल्टेज सेम अक्रॉस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर फाइनली दोनों टंकियों को सेम हाइट मिलनी चाहिए फाइनली दोनों कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिलना चाहिए बात नंबर एक बात नंबर दो बहुत इंपॉर्टेंट बात चार्ज इन द होल सिस्टम मस्ट बी कंजर्व चार्ज इन द होल सिस्टम सिस्टम इज कंजर्व ठीक है ये आपकी दूसरी बात रहेगी ठीक है अब इसको हम लगाने नहीं वाले बट मैं आपको कॉमन वोल्टेज का डायरेक्ट फॉर्मूला जरूर बताने वाला हूं अगर आपको कभी भी फाइनल वोल्टेज निकालना हो तो फाइनल वोल्टेज का फॉर्मूला है C1 V1 वी वन अपॉन सी वन सीधा ध्यान रखना तो पहले आपने किसी को चार्ज किया होगा वोल्टेज V तक पहले आपने किसी टंकी को भरा होगा V वोल्टेज तक V हाइट तक H हाइट तक तो पहले वो वोल्टेज निकाल लेना वो दिया होगा आपको पेपर में तो फिर लिख लेना फाइनल वोल्टेज विल बी जब आपने उसको एम से कनेक्ट किया होगा खाली से कनेक्ट किया होगा उसके बाद शेयरिंग वेयरिंग होने के बाद जो वोल्टेज फाइनल बचेगा बचेगा सी वन अपॉन सी प्लस सी इस तरीके से आप फाइनल वोल्टेज जल्दी निकाल लेंगे बिना किसी टेंशन के अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं किस तरीके का सवाल आया था 2014 के पेपर में चलिए सवाल करेंगे प्यार से करेंगे जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अब पैरेलल पैलेट पैलेट नहीं प्लेट अ पैरेलल प्लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी

देखो 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 गांव वालों खाली टंकी ये खाली टंकी ये भरी टंकी ये वी वोल्टेज से भर रही है ये खाली टंकी इसमें कोई चार्ज, कोई चार्ज, वोल्टेज नहीं है अभी, आप क्या पूछा गया? इनिशियली चार्ज in आपको फाइनल एनर्जी के बारे में बताना है तो एक काम करे पहले कनेक्ट कर दें चलो पहले कनेक्ट कर देते हैं जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं तो अगर मैंने भरी टंकी को एक खाली डंकी से कनेक्ट किया तो ऐसे में क्या होगा वोल्टेज की शेयरिंग होगी और फाइनल वोल्टेज क्या होगा तो मैं फॉर्मुला लिखूंगा वी सी इक्वल टू सी वन वी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू सी सेम है सारे सारे सी सेम है वोल्टेज पहले था वी तो यहां पे हो गया सी वी बाई टू सी सी ने सी को मारा मतलब फाइनल वोल्टेज आ गया वी बाई टू वी तो बेटा जी फाइनल वोल्टेज हो चुके हैं वी बाई टू वी बाई टू वी बाई ये फाइनल वोल्टेज आ गए पहले वोल्टेज कितना था v अब फाइनल कितने हो गए v/2 v/2 अब बात वो वोल्टेज की नहीं करना चाह रहा है बात वो आपसे एनर्जी की करना चाह रहा है अब बेटा एनर्जी कैसे निकलती है सर 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 एनर्जी वो वाला फार्मूला बताएं 1/2 c v स्क्वायर हां पहले एनर्जी लिखते हैं इनिशियल इनिशियल एनर्जी कैसे बनेगी 1/2 c स्क्वायर ठीक है जी ये इनिशियल एनर्जी हुई शुरुआत की एनर्जी इसमें तो कोई एनर्जी नहीं थी नो no, सर तो देखो इनिशियली केवल इसी इसमें एनर्जी थी केवल इसमें इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है सर हाँ, तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर अब फाइनली दोनों पे एनर्जी है दोनों को वोल्टेज मिल गया two, तो सीधा लिख दो डबल बार क्या डबल बार डबल बार हाफ सी वी बाई टू का स्क्वायर देखो आराम से देखो देखो आराम से देखो तो देखो टू ने टू तू को मारा आंसर देखो स्क्वायर बाय सीवी कितना आंसर आया

जल्दी-जल्दी ओवरव्यू जल्दी देता जा रहा हूं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी सोल्व करता जा रहा हूं आपके सामने ठीक है यही क्वेश्चन आएंगे हंड्रेड परसेंट नोट कर लो आप यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे पास तो मैं एक बार वापस से दिखाता हूं कि हमने कैपेसिटेंस कहां से स्टार्ट किया था राइट सो वी स्टार्टेड ओवरव्यू दे देता हूँ सारी बातें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे सारे लोग वॉट इज कैपेसिटर से फिर एनर्जी के दो फॉर्मलेक्सी और हाफ सीवी स्क्वायर जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं वो बाद में बोर्ड की पीडीएफ से शॉर्ट नोट्स भी बना लेना ठीक है फिर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मला ध्यान रखना है हाफ अपसाइल नोट ई स्क्वायर यहां तक क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड तुम याद रख लेना वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस ये ज्यादा काम आती है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये ज्यादा काम आती है ठीक है इसके 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 बाद 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 ये ग्राफ वाला वाला क्वेश्चन क्वेश्चन करा करा दिया 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 था एक फिर इसके बाद एनर्जी वाला एक फिर एनर्जी और सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है सीरीज में पैरल पैरल में सीरीज का आंसर लगता है और वोल्टेज जो डिवाइड होते हैं वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं तो जब वोल्टेज डिवाइड होते हैं तो वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होते हैं कैपेसिटेंस के लेकिन जब चार्ज डिवाइड होते हैं तो वो सेम रेशियो में होते हैं आप Q CV में ना जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रखोगे अपने आप से समझ में आ जाएगा क्लियर ठीक है अगला हमने एक क्वेश्चन किया आरसी सर्किट पर स्टेडी स्टेट पे क्या ध्यान रखना है स्टेट क्या होती है स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और एक बार कैपेसिटर का मन भर गया तो फिर वो उस ब्रांच का रास्ता ही बंद कर देता है उस ब्रांच में करंट को आने वो ऐसा इंसान है जो खाना खाने बैठ गया, गया तो बंद कर देता है एट स्टडी स्टेट ठीक है ये वाले पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसके बाद मैंने आपको डायलेक्ट्रिक इंसर्शन पढ़ाया डायलेक्ट्रिक इंसर्शन में मैंने आपको दो टाइप से इंसर्शन पढ़वाया पहले बैटरी कनेक्टेड और दूसरा बैटरी डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड में क्या ध्यान रखना, क्या कंजर्व रहता है और इसके बाद मैंने आपको इस पे आधारित क्वेश्चन कराए दो क्वेश्चन लगातार आए थे 2010 के पेपर में आप ध्यान से देखिएगा इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पार्शियल सॉरी मैंने आपको डायरेक्टिक भरना सिखाया इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पार्शियल डायरेक्ट्रिक पार्शियल में ये वाला फॉर्मला बहुत जबरदस्त है पेपर में डायरेक्ट आने की उम्मीद होती है ए अपॉन डी डी माइनस टी 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 प्लस के के प्लेट बीच की दूरी है थिकनेस ऑफ द स्लैब है जो पूरा नहीं भरा है और के उसका है ये फॉर्मला याद रखते रखेंगे और उस पर आधारित एक सवाल कराया इसके बाद इसके बाद मैं आपको ले गया किस तरफ मैं आपको ले गया मल्टीपल स्लैब्स की तरफ मल्टीपल स्लैब में दो टाइप के ध्यान रखेंगे एक मल्टीपल स्लैब में एक और दो सीरीज में दिखेंगे और एक मल्टीपल स्लैब में ऊपर और नीचे पैरल में नजर आएंगे तो ये आपके सीरीज का केस था और ये आपके पैरल का केस था दोनों केस एक एक करा दिए जिससे आपका दिमाग जबरदस्त हो जाए इसके बाद फाइनली मैंने आपको शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जिसमें आपको पहला फॉर्मुला ध्यान रखना है सीवन वी अपॉन सीन प्लस सी टू ये तभी तक वैलिड है जब तक एक है अगर दोनों चार्ज होंगे वैसे तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं लेकिन आएगा सीवन वी अपॉन सी टू सीवन प्लस सी टू सीवन वी वन अपॉन सीवन प्लस सी टू ये कॉमन वोल्टेज निकल जाएगा एक बार कॉमन वोल्टेज आ गया एनर्जी फेनर्जी चार्ज फार्ज सब निकाल लोगे कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे सॉल्व कराया क्लियर एकदम परफेक्ट ठीक है भाई तो ये मैंने शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहां खत्म कर दिया और अब मैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा हूं तो बच्चों यहां हुआ, हुआ हमारा कैपेसिटेंस का अंत अब यहां से हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा नया टॉपिक नया चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी तो आप लोग क्या करें आप लोग जितने लोग भी हैं जिनके पास नोट्स हैं वो बगल में नोट्स खोल के जरूर बैठ जाए क्योंकि नोट्स खोल के बैठेंगे ना तो एक बार देखते रहेंगे हाँ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है उसमें भी टिक कर सकते हैं है ना लिखने की जरूरत नहीं पड़े उसी में भी टिक कर सकते हैं और मैं आपको बीच में ना शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्टकट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीजें बताते हुए चलूंगा प्रॉपर ओवरव्यू के साथ ठीक है mm. चलो भाई हम्म hmm. ध्यान से अब ना सबसे पहले बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओवरव्यू क्या क्या करना है हम पहले डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज करंट करंट क्या होता है फिर जो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बातें करते हैं ना चैप्टर के अंदर जब आप किसी कंडक्टर के अंदर घुस जाए तो आपको अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हुए दिखते हैं ड्रिफ्ट करते हुए दिखते हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए दिखते हैं ड्रिफ्ट करते हुए दिखते हैं वो वेलोसिटी किस किस से रिलेटेड होती है उसमें फिर करंट डेंसिटी क्या होती है मोबिलिटी क्या होती है वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिश्ता होता है छोटू ओम स्लॉ जिसको माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिकॉ कहते हैं वो क्या होता है रेजिस्टिविटी क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अब मैं इतनी सारी बातें बोल दूंगा तो आप लोग घबरा जाओगे अरे सर 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 रुको सर रुको एक बार ना थोड़ा सा सर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दो

ये हमारे डिफरेंशिएशन की मशीन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है और अगर आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज निकल जाता है आईडीटी के इंटीग्रेशन से ये बाकी दूसरी बात ठीक है तो यहां से दो चीजें ध्यान रखनी डिफरेंशिएशन कब करना है इंटीग्रेशन कब करना है दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों बनता है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अब सब बच्चों को ध्यान रखना है कि अंदर हमारे जो छोटू छोटू इलेक्ट्रॉन्स है वो छोटू छोटू इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं वो बहुत धीमे धीमे सरक रहे होते हैं और इसी सरकने को ड्रिफ्ट कहा जाता है सो दे मूव विद वेलोसिटी कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दे मूव अक्रॉस एन एरिया वो एक एरिया को क्रॉस करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एक एरिया को क्रॉस करते हैं तो यहीं से बनता है करंट और करंट का ड्रिफ्ट से एक सुंदर सा रिश्ता है जो रिश्ता सारे बच्चों को ध्यान रखना है मैं लिख दूं रिश्ता सो so रिश्ता लिख देता हूं आई इक्वल्स टू एन ई एवी ड्रिफ्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मला है पे एन नंबर डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वीडी आपकी कहलाती है ड्रिफ्ट स्पीड तो बच्चों ये ड्रिफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है करंट से अगर इसी में एरिया को चुपचाप से नीचे बुला लूं तो बन जाता है करेंट पर यूनिट एरिया जिसको बोलते हैं करेंट डेंसिटी जिसको हम प्यार से जे जे के नाम से बुलाते हैं तो जे हो जाएगा जे हो जाएगा एन ई वी डी देखो दो फॉर्मले एक साथ याद रख सकते हो इन दो फॉर्मले को एक साथ याद कर लो एन वी एडी एक उधर भेजा एन एन ई वी डी एनिवीडी एनएवीडी एक उधर भेजा एन एन ई वी डी एनिवीडी एनएवीडी एक उधर भेजा एन ई वी डी ये आपको आई और जे के दो फॉर्मले मैंने तैयार करके दिए ठीक है कोई समस्या नो समस्या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्लाइड वोल्टेज के साथ भी एक रिश्ता है दोबारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के साथ भी एक रिश्ता है क्या रिश्ता है ध्यान से सुनिएगा हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है ई ई बाय इंटू टाओ अब बहुत ध्यान से सुनिएगा ये नया फॉर्मला है आपके लिए ई ई बाय एम या फिर से सुनिएगा

E by m into tau और यहां लिख सकते हैं वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस या वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर देखो ये E के टर्म्स में लिखा है ये याद सब ये सब याद नहीं करना है ये सब याद नहीं करना है जिसमें से याद केवल ये रखना है आपको वहां कन्वर्ट करना है खुद से कन्वर्ट करना है खुद से दिमाग लगाना है और ये दिमाग मेरे में क्यों नहीं आ रहा ये मैं वहां क्यों नहीं लगा पा रहा

जिसको आर को लिखते हैं रो एल आर को क्या लिखते हैं रो एल बाय रो क्या होता है अब मजा आएगा आपको रो होती है रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या कहलाती है है जो होता कंडक्टिविटी का उल्टा सिग्मा का उल्टा तो रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी जो कंडक्टिविटी का उल्टा होती है और पता ये कैसे बनती है ये थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आपको सांस लेनी पड़ेगी ये बनता है एम अपॉन एनी स्क्वे से हा हाँ, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा देखने में लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें ना कोई एरिया है ना कोई ड्रिफ्ट है ना कोई करेंट डेंसिटी है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई वोल्टेज है ये सारी चीजें इसके अंदर कॉन्स्टेंट है एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इसमें ना वोल्टेज है ना एरिया है ना करेंट है ना ड्रिफ्ट है कुछ नहीं है बस केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट है इसलिए रेजिस्टिविटी के फॉर्मले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बस ध्यान रखना इट रिमेन्स कांस्टेंट विद वोल्टेज इट रिमेन्स कांस्टेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी बातें मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स में लिखवा दूंगा ठीक है ये रेजिस्टिविटी का है इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टिविटी बन जाएगा एनी स्क्टाउ बाय ये तुम्हारा क्या बन गया ये तुम्हारा बन गया कंडक्टिविटी ठीक है तो देखो फिर से फॉर्मले रिवाइज कराऊ सबसे पहले कौन सा फॉर्मुला याद कर लो

ड्रिफ्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क पड़ता है ड्रिफ्ट <laughs> को एरिया से फर्क पड़ता है तो <laughs> so देखो इस सब से अपन अभी रिश्ते बनाएंगे और याद कर लो जिसको बोलते हैं छोटू नहीं, नहीं छोटू मैं आपको नहीं कह रहा हूं छोटू लॉ का छोटा फॉर्म जिसको हम लॉ भी कहते हैं और ये लॉ वेक्टर में ध्यान रखना है जेवस टू सिग्माई हा जेवस टू सिग्माई ये आपका लॉ में लिखूंगा इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ ध्यान रखना है जे इक्वल टू सिग्मा ई ठीक है अभी जे तो मैं पता है जे 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 क्या है करंट डेंसिटी सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी है रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और ई e क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है भाई एकदम क्लियर और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अब इतना पढ़ा दियो मालिक तो मोबिलिटी भी पढ़ा दो है? तो मोबिलिटी होती है मोबिलिटी होती है कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास ई ई बाय एम टाऊ तो बेटा ई e मार दो तो आंसर हो जाएगा ई टाऊ बाय एम दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें जबरदस्त आपको समझ में आए क्योंकि बच्चों क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन दो ही जगह से आने बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो एक फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट माइक्रोस्कोपिक बातें सारी माइक्रोस्कोपिक बातें ये बता ड्रिफ्ट क्या, क्या, e क्या, e क्या, क्या होता है सारी माइक्रोस्कोपिक बातें दूसरा पार्ट सर्किट <laughs> बस खत्म खत्म हो गया करेंट चैप्टर करेंट चैप्टर दूसरा पार्ट सर्किट रेजिस्टेंस बैटरी इनसे रिलेटेड आएगा और पहला पार्ट इससे रिलेटेड आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो आराम से इन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो सारे फॉर्मूले एक ही बोर्ड पे लिख दिए हैं अब किसको किससे तीन कॉलम्स बनाओ पहले कॉलम में लिखो एरिया बदलने से एरिया बदलने से एरिया बदलूंगा तो एक काम करूं डायग्राम बना देता हूं एरिया बदलने से जैसे आप देख सकते हो यहां से करंट घुसा और यहां से निकला तो एरिया बदलने से किस चीज में फर्क पड़ेगा दूसरा कंडक्टर के वोल्टेज बदलने से अब मैं क्या वेरिएबल करूंगा वोल्टेज वेरी तो वेरिएबल वोल्टेज के लिए ऐसे बना सकते हो वोल्टेज बदलने से क्या क्या बदलेगा अंदर के माहौल में ठीक है और तीसरा ना एक ऐसा डायग्राम बनाओगे जिसमें कंडक्टर लेना और नीचे से ना अरे आप देखो आग लगा देंगे क्या लगा देंगे आग लगा देंगे आग ये ना आग लगा देंगे हीट हीट करने से क्या होगा ऐसे आग लगा देना ठीक है ऐसे ना तीन डायग्राम बना लो अब देखो किससे किसको फर्क पड़ता है सारे डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको पहला एरिया बदलने से किस किस को फर्क पड़ता है लेट स्टार्ट कौन कौन कॉन्स्टेंट रहता है सबसे पहले कॉन्स्टेंट लिखूंगा मैं ध्यान से सबसे पहले ध्यान रखिएगा करेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि बेटा करेंट जितना घुसता है उतना निकलता है करेंट की गंदी आदत नहीं है कि अंदर गायब हो जाए तो जैसे घुसा उतना निकल गया करंट इज लाइक चार्ज कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन मतलब अंदर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना चार्ज वहां पे एग्जिट भी करेगा इसका एरिया चेंज कर लो एरिया बड़ा नीचा कर लो छोटा ऊपर कर लो कोई दिक्कत नहीं है आपको हमेशा ध्यान रखना है करंट जितना एंटर करता है उतना करंट एग्जिट करता है सो so इसका मतलब करंट एरिया के इंडिपेंडेंट है करंट कांस्टेंट रहने वाला है ठीक है भाई ओके बिल्कुल सिंपल दूसरा रेजिस्टिविटी

ये सब नंबर डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास ये सब एरिया के साथ नहीं बदलता बच्चों ये 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 सब 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 कुछ नहीं बदलता। ये सब नहीं बदलता ये सब नहीं बदलता कांस्टेंट रहने वाला है अब तुम्हें बहुत पिक्चर क्लियर होने वाली है कि क्या चीज बदलेगी क्योंकि बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सारे फॉर्मलो में क्या चीज एग्जैक्टली exactly बदलने वाली है तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा चलो स्टार्ट करें सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट के बारे में कि ड्रिफ्ट को क्या होगा ड्रिफ्ट को एरिया के साथ क्या फर्क पड़ेगा क्या ड्रिफ्ट चेंज होगी या ड्रिफ्ट चेंज नहीं होगी चलो आप लोग जवाब देने की कोशिश करो क्या ड्रिफ्ट चेंज होगी या ड्रिफ्ट चेंज नहीं होगी चलो प्लीज कमेंट यस हम्म चलिए क्या ड्रिफ्ट चेंज होगी या ड्रिफ्ट चेंज नहीं होगी आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से आपके पास यहां फॉर्मले लिखे हैं बहुत सारे इनमें से चेक करके बताइए क्या ड्रिफ्ट चेंज होगी या ड्रिफ्ट चेंज नहीं होगी इन्हीं फॉर्मलों को यूज करिएगा ठीक है बताइए क्या ड्रिफ्ट चेंज होगी या ड्रिफ्ट चेंज नहीं होगी एरिया के साथ एरिया के साथ एरिया के साथ एरिया के साथ चलो कौन सा फॉर्मूला लगाए कहां एरिया दिख रहा है इसमें कोई एरिया दिख रहा है नो no, सर इसमें कोई एरिया दिख रहा है <laughs> यहां एरिया दिख रहा है ना बस काम चल जाएगा अपना काम चल जाएगा इधर देखो करंट क्या हो गया कांस्टेंट नंबर क्या हो गए कांस्टेंट ई क्या हो गया e कांस्टेंट तो एरिया और ड्रिफ्ट का प्रोडक्ट भी क्या हो गया कांस्टेंट और अगर एरिया और ड्रिफ्ट का प्रोडक्ट कांस्टेंट तो एरिया घटा ड्रिफ्ट बढ़ा ड्रिफ्ट घटा एरिया बढ़ा एरिया बढ़ा ड्रिफ्ट घटा ड्रिफ्ट घटा एरिया बढ़ा एरिया और ड्रिफ्ट 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 एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं तो तो बात नंबर ध्यान रखेंगे इज इनवर्सली टू एरिया एरिया को से फर्क पड़ता है अब बच्चों अगर ड्रिफ्ट को फर्क पड़ता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या करंट डेंसिटी को भी फर्क पड़ेगा अरे सर बिल्कुल पड़ेगा करंट कांस्टेंट है लेकिन करंट डेंसिटी तो एरिया से डिवाइड होकर बनी है तो एरिया अगर घटेगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट को जैसे फर्क पड़ता है वैसी करंट डेंसिटी को भी फर्क पड़ता है फिर से बाकी दो चीजें कांस्टेंट है तो अगर ड्रिफ्ट को फर्क पड़ता है तो करंट डेंसिटी को भी एरिया से फर्क पड़ता है अब बच्चों अगर करंट डेंसिटी को फर्क पड़ता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फर्क पड़ेगा <laughs> अगर करेंट डेंसिटी घटी एरिया बढ़ने से या एरिया घटने से बड़ी इनवर्सली चली तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्स चलेगी हाँ क्योंकि सिग्मा सिग्मा तो 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 कांस्टेंट है 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 क्योंकि सिग्मा में तो ऐसी कोई चीज नहीं एरिया एरिया जैसी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी से इनवर्स फर्क पड़ता है। ये सारी बातें नोट कर लो यही आएंगी पेपर में बस तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें ड्रिफ्ट के बारे में कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें करंट डेंसिटी के बारे में कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें करंट के बारे में कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें रेजिस्टिविटी के बारे में कमेंट करना पड़ेगा पड़े ये सारी चीजें तो ज्यादातर कॉन्स्टेंट ही रहती है अब आप ट्राई करिए जब मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूं तो क्या क्या चीजें बदलेंगी जरा दिमाग लगाइए दिमाग लगाइएगा तो अगर मैं वोल्टेज चेंज करूंगा तो क्या क्या बदलेगा अगर मैं वोल्टेज वैरी कर ठीक है? वोल्टेज वोल्टेज दस वोल्टीसोल्ट पचास वोल्ट साठ वोल्ट सो वोल्ट डेढ़ सौ वोल्ट ढाई सौ वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट।, वोल्ट वोल्टेज चेंज करो अब ऑफकोर्स एरिया कंजर्व है एरिया नहीं बदलना तो ऑफकोर्स है वोल्टेज बदलोगे तो ओम्सलो क्या कहता है कि भैया करंट बदलेगा तो करेंट भी वेरी करेगा सेम एज वोल्टेज है ना भाई करेंट वोल्टेज जैसा ही वेरी करेगा वोल्टेज डबल करेंट डबल वोल्टेज ट्रपल करेंट ट्रपल एरिया तो है, तो है करेंट डेंटी बदलती आई बाई से तो करेंट डेंसिटी भी जैसे वोल्टेज वेरी करेगा वैसे वैसे मई भी वेरी करेगा तो वोल्टेज अगर डबल तो करंट भैया ने बोला हम भी डबल तो भैया के छोटे भैया हम तो हम भी डबल हैं तो इस तरीके से

कि ड्रिफ्ट के फॉर्मुले में भी वोल्टेज ऊपर की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदला तो ड्रिफ्ट भी कहेगा जैसे जैसे वोल्टेज भैया कहेंगे वैसा वैसा हम भी करेंगे तो ड्रिफ्ट भी बदलेगा करेंट बदलेगा डेंसिटी बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी वोल्टेज बदलने से सब कुछ बदल रहा है लेकिन फिर से क्या रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं क्या रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं क्या नंबर बदलेंगे नहीं क्या टॉ बदलेगा नहीं क्या ई बदलेगा नहीं क्या एम बदलेगा नहीं ये सारी चीजों पे आपको नहीं बोलना है एकदम क्लियर दिमाग क्लियर कब क्या बदल है समझ में आ रहा है अब मैं आपको लास्ट और जबरदस्त चीज बताता हूं टेम्परेचर बदलने से क्या होता है बच्चों टेम्परेचर बदलने से सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है बढ़िया तरीके से भिड़ते खटाखट खटाघट खूब कोल्यूशन होते हैं और इससे आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम कम होने से

अगर निक्रोम मैंगनीन ऐसे टाइप के मटेरियल है तो ऐसे में तुम्हें ग्राफ घटता हुआ नहीं सॉरी बढ़ता हुआ तो मिलेगा लेकिन ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ मिलेगा ऑलमोस्ट लीनियर ग्राफ मिलेगा ये निक्रोम वगैरह बहुत इतना चेंज होते हैं बहुत जल्दी घटाघट -गड़ चेंज नहीं होते कॉपर खतरनाक तरीके से चेंज करता है लेकिन निक्रोम विक्रोम उतनी जल्दी चेंज नहीं करते इसलिए इनको इनसे मटीरियल भी कहते हैं और लास्ट आता है में क्या ध्यान रखना है कि आपका जो रोटी होता है वो इनवर्स रिश्ता फॉलो करता है मतलब सेमीकंडक्टर्स में आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी सर तो इसमें हमें ड्रिफ्ट विफ्ट नहीं, नहीं। टेम्परेचर के साथ वो आपसे ये सब चीजें नहीं पूछता टेम्परेचर के साथ वो ज्यादातर पूछता है रेजिस्टिविटी बताओ रेजिस्टेंस बताओ अब बेटा रेजिस्टिविटी को फर्क पड़ गया तो रेजिस्टेंस को तो फर्क पड़े पड़ेगा ही पड़ेगा मेनली रेजिस्टिविटी इन दोनों में बिल्कुल नहीं बदली थोड़ी सी थोड़ी सी है थोड़ी सी वैसी चीज है ऐसे नहीं बदलती मैं टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदलती है तो ये तीनों की टेबल नहीं स्क्रीनशॉट ले लो उसका है ना मैं थोड़ा इधर हो जाता आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहां से पेपर फंसाने वाला हूं मैं यहां से मैं पेपर फसाने वाला हूँ ठीक है ये स्क्रीनशॉट ले लो कौन किस चीज के साथ ले लिया स्क्रीन शौट? हेलो स्क्रीन ले लिया आ जाऊँ अंदर आ जाओ ठीक है ये ले लिया स्क्रीन शॉट अब तुम्हारा पूरा पेपर ना इसी में से फंसेगा अब मैं तुम्हें दिखाऊं पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं आज तक तुमको मेरी बात पे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं तुम्हें कम से कम अब देखो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू हमारा पहला पार्ट का कवर हुआ अब बीच में अगर लगेगा कुछ और ओवरव्यू व्यू करने को तो हम ओवरव्यू करेंगे अब जरा बढ़िया तरीके से आने वाले पंद्रह से बीस मिनट पांच आठ सवाल चटकाते हैं तभी तो मजा आएगा कम से कम चार पांच पांच सवाल चटकाएंगे तब मजा आएगा ठीक है आओ चटकाते हैं पहला सवाल पहला सवाल जैसे कि तुम देख सकते हो द करेंट इन अ डिवाइस वेरीज विद टाइम एज सिक्स क्या दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कौन से ईयर में दो हजार तेईस के पेपर में आया है. 2023 में करेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम करेंट दिया है करेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और मिली एम्पियर में करंट है है ना आपको बताना है कितना चार्ज बही जाएगा जीरो से तीन सेकंड में बिना हाँ टाइम वेस्ट जल्दी करो तो सिक्सटी डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से तीन खत्म खत्म आईडी टी का इंटीग्रेशन चार्ज फ्लोन का फॉर्मुला होता है तो बच्चों से तीन टू थ्री 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 देखिए मिली कूलम क्लियर कोई दिक्कत नो सर ये तो हमें पता चल गया कब करना है डिफरेंशिएशन सर पता है हमें जब चार्ज दिया हो तो डिफरेंशिएट करके करंट निकालेंगे जब करंट दिया हो तो इंटीग्रेट करके चार्ज निकालेंगे ठीक है अगला सवाल देखो अगला सवाल जल्दी से जवाब देंगे के 2023 के सवाल हैं सारे ठीक है 2023 के सवाल हैं सारे अभी एक घंटे में तुम्हारा पूरा करंट चैप्टर निपटा के उतरूंगा यहां से आज में एक घंटा और देना मुझे यहां से गिव मी वन मोर आर एंड आई विल कंप्लीट योर करंट कंप्लीट करंट ठीक है चलो अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे कहा था ना पीछे पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंट डेंसिटी बी अफेक्टेड वेन वोल्टेज इज डबल्ड एंड वोल्टेज इज हाफ वोल्टेज को डबल कर दिया या वोल्टेज को आधा कर दिया उससे यह चीजें कैसे बदल रही है समझ में आ गया अब तुम्हें बहुत क्लैरिटी है क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से फर्क पड़ता है ये सो नो जल्दी कमेंट करो क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से फर्क पड़ता है जल्दी से सारे लोग कमेंट करेंगे क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से फर्क पड़ता है क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से फर्क पड़ता है जी जल्दी से जल्दी से ये सो नो बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एकदम हंड्रेड परसेंट क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से फर्क पड़ता है जल्दी बताओ चलो क्या तुम्हारी ड्रिफ्ट को वोल्टेज से फर्क पड़ता है अगला कमेंट अगला कमेंट क्या तुम्हारी ड्रिफ्ट को वोल्टेज से फर्क पड़ता है जल्दी 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 फटाफट 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 राइट पड़ता है पड़ता है पड़ता है बिल्कुल पड़ता है क्या तुम्हारी करंट डेंसिटी को वोल्टेज से फर्क पड़ता है ये yes, सर ये सारी चीजों को वोल्टेज से फर्क पड़ता है और सारी चीजों को वोल्टेज से कैसा फर्क पड़ता है डायरेक्ट फर्क पड़ता है तो इसका मतलब इन सबके आंसर आप समझ गए होंगे इन सबके आंसर आप समझ गए होंगे सीधा सीधा जिस केस में वोल्टेज डबल है Drift velocity डबल कर देना करेंट डेंसिटी डबल कर देना इलेक्ट्रीफी जिसमें वोल्टेज आधा है सबको आधा कर देना आंसर तैयार है चलो, चलो, सवाल, पढ़ो, पढ़ो, 2017, 2017 में क्या सवाल आया था जरा ध्यान से देखो सामने तुम्हारे सामने लिखा है क्या लिखा है एक तार है जिसका एरिया बढ़ रहा है ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ऐसे एरिया बढ़ता जा रहा है ओ एरिया बढ़ता जा रहा है तो एक तार है जिसका एरिया बढ़ता जा रहा है और करेंट यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है सवाल पढ़िए सवाल पढ़िए फ्रॉम द अदर एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफेंस वी और आपने एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल है वी तो आप बार बार बैटरी नहीं बदल रहे बैटरी इज कॉन्स्टेंट ध्यान से देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट आपको बताना है इनमें से कौन सी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी चलिए स्टार्ट करते हैं

डेंसिटी को भी एरिया से कैसा फर्क पड़ता है इनवर्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एरिया से कैसा फर्क चीज है क्योंकि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना चार्ज एग्जिट करेगा इट शुड फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस तरीके से इसका आंसर करना है क्लियर थोड़ा बुद्धि क्लियर हो रही है हाँ सर थोड़ा थोड़े तो क्लियर हो रहा है सर थोड़े थोड़ा तो समझ में आ रहा है बच्चों एनसीआर में एक बहुत जबरदस्त बहुत सुंदर एक ग्राफ दिया गया है जिसको बोलते हैं आईवी ग्राफ आईवी ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके कंडक्टर ओमिक है नॉन ओमिक है अगर वो स्ट्रेट लाइन होता है तो उसको ओमिक कहते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन से भटक जाता है तो उसको नॉन ओमिक कहते हैं आईवी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कंडक्टेंस बताती है ये छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ फिर मैं आपको ये सवाल कराऊंगा पहले आईवी ग्राफ के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में

अब एक एनसीआर में एक आप पन्ने पलटेंगे तो एक ग्राफ आपको नजर आएगा ये वाला और बड़ा जबरदस्त ग्राफ है बच्चे भयंकर डरते हैं इस इस ग्राफ से इसलिए मैं टाइप इस को के क्वेश्चन क्वेश्चन को लेके क्योंकि ये रिपीट होने के चांसे है। ये 2015 के चांसेस पेपर में आया था और जरा ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे लोग और इसकी इंपॉर्टेंट बातों को नोट करेंगे ठीक है ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ आईवी आईवी ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है एज यू कैन सी फॉर अ मटेरियल इसका नाम है गैस गैलियम आर्सनिक गैलियम आर्सनिक का ग्राफ है ठीक है सो गैलियम आर्सनिक का ये ग्राफ है एनसीआरटी में गिवन है आपको पूछा जा रहा है बताओ कौन सा रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस का है मैं हिं मैं सिंपल बोलू कौन सा रीजन में स्लोप नेगेटिव है बस आप समझ गए मेरी बात को स्लोप से मिलता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस कौन से रीजन में स्लोप नेगेटिव है हेलो कौन से रीजन में स्लोप नेगेटिव है जल्दी-जल्दी जल्दी-जल्दी फटाफट फड़ जवाब दो हमें आगे बढ़ना है कौन से रीजन में स्लोप नेगेटिव नजर है बुंदू स्लोप नेगेटिव आ रही है कौन से रीजन रीजन बताइए रीजन रीजन बताइए कहां से कहां के बीच में कहां से कहां के बीच में आपको नेगेटिव स्लोप नजर आ रही है क्या बी रीजन पे सी रीजन पे डी रीजन पे या ई रीजन पे कहां पे आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस फील हो रहा है ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया सो so, आपका जो रीजन है वो रीजन है डी या डी से ई e, इसके बीच में आप यस डी टू ई बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे डी टू ई के रीजन में आपको दिख रहा होगा आपकी स्लोप नेगेटिव है तो वहां पे रेजिस्टेंस आपको नेगेटिव प्राप्त हो रहा है क्या कहीं ओम स्लो फॉलो हो रहा है <laughs> क्या कहीं ओम स्लो फॉलो हो रहा है इज ओम स्लो बिंग फॉलोड एनी क्या कहीं ओम स्लो कहीं आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है क्या आपको कहीं स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है जल्दी से जल्दी से एवरी क्या आपको कहीं स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है क्या आपको कहीं स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तो कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर थोड़ा सा बी टू सी में नजर आ रही है बच्चों वो भी एक कर्व है एक्चुअल में वो भी एक पूरा का पूरा कर्वेचर है हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कहीं भी स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली नहीं दिख रही है और अगर स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली नहीं दिख रही है तो इट इज अहमिक कंडक्टर इट इज अहमिक कंडक्टर इस बात का ध्यान रखा जाएगा क्लियर एकदम परफेक्ट ठीक है भाई हाँ जी बिल्कुल सिंपल अगर एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन दिख रही होती हमें ऐसा बिल्कुल सपाट लाइन दिख रही होती सीधी, तो हम कह देते कि ये ओमिक है क्लियर तो हो रहा है कहानी एकदम क्लियर है चलो आगे की तरफ चलते है और अब अगला सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया ऑलरेडी लेकिन आपको बस इसका जल्दी से जवाब देना है सीबीएसई के सैंपल पेपर के टर्म वन के पेपर के सैंपल पेपर के क्वेश्चन में से आया था आप देखो चार ऑप्शंस दिए और जल्दी से आपको सही जवाब ढूंढना है मटेरियल एंड बी तो आपको ए मटेरियल का ग्राफ दिया है बी है ये, A का ग्राफ, है, ये B का ग्राफ है आपको जल्दी से बताना है ए कौन सा मटेरियल है बी कौन सा मटेरियल है जल्दी से बताएंगे हेलो एवरीवन जल्दी से ए मटेरियल कौन सा है और बी मटेरियल कौन सा है एक तो एकदम क्लैरिटी देता है कि ए जो भी होगा वो सेमी कंडक्टर होगा ए विल बी विलडक्टर और बी जो भी होगा इट विल बी अ अ कॉपर इट विल बी कॉपर अभी मैंने आपको बताया था कॉपर का होता है ग्राफ तो कॉपर वाला ऑप्शन तो देखो जरा ध्यान से ये कॉपर वाला ऑप्शन है बस और सेमी कंडक्टर मतलब कौन सा जर्मेनियम सिलीकन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है ए हमारा जर्मेनियम है तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी तो देखा मैंने थोड़ी सी थ्योरी ओवरव्यू करा दी तो कितना फायदा हो रहा है उसका हमें खटाखट खटाखट जवाब देने का मौका मिल रहा है ये छोटी सी थ्योरी आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाली है है ध्यान रखिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं केवीएल का केसीएल का और पावर के छोटे से टॉपिक का अब बच्चों केवीएल क्या होता है केसीएल क्या होता है आप लोग जानते हैं केसीएल बेस्ड होता है केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है ये ध्यान रखना है एक बार पेपर में डायरेक्ट आया था और केवीएल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है ये भी एक बार पेपर में डायरेक्ट आया था तो केवीएल केसीएल इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब भी आप किसी रजिस्टर को क्रॉस करते हो तो रजिस्टर को क्रॉस करते समय ध्यान रखना है अगर आप करेंट के साथ जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है करंट कहां से कहा जाता है हायर से लोअर तो अगर आप कभी रेजिस्टर के साथ जा रहे हो तो आपको चिल्लाना है माइनस आई क्या चिल्लाना है माइनस आई तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा ए से चलेंगे तो आई का ड्रॉप होगा तब आप बी पे पहुंचेंगे ये हो गया रेजिस्टर को क्रॉस करना करंट के साथ वही अगर करंट के विपरीत आओगे करंट के उल्टे आओगे जैसे ए से बी जा रहे हो ए से बी जा रहे हो करंट उल्टा आ रहा है मतलब तुम गाड़ी के उल्टे आ रहे हो गाड़ी के उल्टे आ रहे हो मतलब तुम चढ़ान चढ़ रहे हो तुम ढलान उतर नहीं रहे हो चढ़ान चढ़ रहे हो तभी तो पानी उल्टा मिलेगा करेंट हमेशा हायर से लोअर आता है तो ऐसे में तुम्हें ध्यान रखना है तुम हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम पढ़ाई करके कहा जाना चाहते हो हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहते हो तो तुम दुनिया के विपरीत चल रहे हो दुनिया सो रही है तुम जाग रहे हो दुनिया जाग रही है तुम तब सो रहे हो उल्टे चल रहे हो दुनिया के विपरीत चल रहे हो विपरीत चलोगे तो हायर पोटेंशियल की तरफ चलोगे ये बात ध्यान रखना तो ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल की तरफ जाने का तरीका है बैटरी में हायर लोअर बहुत ईजी होता है जानना क्योंकि बैटरी का ये हायर होता है ये लोअर होता है तो अगर बैटरी में आप ए से बी जा रहे हो तो आपको यहीं से दिख जाता है ए हायर है है बी लोअर तो ए हायर है बी लोअर है तो, तो मतलब ए से बी जाते समय आपको पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा और अगर ऐसे देखें तो ए से बी जाते समय आपका बी हायर है तो आपको पोटेंशियल का राइज मिलेगा तो ए में ई e जोड़ेंगे तो आपका बी आएगा बच्चों ये ऑफ लॉ होता है ये क्रिच लॉ सारे बैटरी रजिस्टर कैपेसिटर को पार करना सिखाता है इसको बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है भाई क्लियर एकदम clear एकदम, दिमाग से एकदम बोलते हैं पावर पावर आपको ध्यान रखना है कभी भी आप किसी रेजिस्टर को वोल्टेज देते हैं या करंट देते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है वो पावर कंज्यूम करता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है उसी रेट ऑफ एनर्जी कंजन को हम लोग पावर कहते हैं पावर का वैसे तो बेसिक फॉर्मला होता है वोल्टेज इंटू करेंट लेकिन हम लोग रेजिस्टर के लिए इसी फॉर्मुले को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सो फॉर रेजिस्टर वी वी कैन राइट इट आई स्क्वायर स्क्वायर आर आर या हम इसको लिख सकते हैं बाय इसमें भी कोई समस्या नहीं है इसको पावर के दो फॉर्मले ध्यान रखना है तो पावर में बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं आते लेकिन पावर के बेसिक फॉर्मले जरूर यूज हो जाते हैं तो आपको इतना ध्यान रहेगा केवीएल के सी एल ध्यान रहेगा ठीक है एक लॉ और ध्यान रखना है जिसका नाम है क्विच ऑफ लूप लॉ लूपलॉ कहता है कि अगर आप गोल चक्कर लगा के सर्किट में वापस आ जाओगे तो आपका एलजेब्रिक सम सारे वोल्टेज का मिला के कितना आ जाएगा जीरो क्योंकि तो अगर आप ए से चालू करके ए पे ही आ गए तो फिर तो आपने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं अगर आप ऐसे गोल घूम के वापस आ गए तो एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया एक तरीके से सा आपके सारे वोल्टेज का एडिशन जीरो हो जाएगा इसको बोलते हैं लूप लॉ

आओ क्वेश्चन नंबर वन करते हैं चलो भाई तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है यूज किस रूल्स यूज किच ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए डी ए और डी पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं ए और डी इन दो पॉइंट के बीच में आपको किच ऑफ लॉ लगा के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो ए से डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ठीक है अभी क्या लिखा है स्टेटमेंट और लिखिए जरा ध्यान से देखिएगा व्हेन नो करेंट फ्लोज इन द आर्म बी ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन कौन सा नेटवर्क इलेक्ट्रिक नेटवर्क कौन सा इलेक्ट्रिक नेटवर्क बीई नेटवर्क जो बीई से है इसमें कोई करंट का तिनका भी नहीं है नो no करंट नो करेंट इन बीई ठीक है इसका ध्यान रखेंगे काम आएगा हमारे अब हमें क्या निकालना है ए से डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा होगा कि हमें बहुत सारे लूप्स नजर आ रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे अपने लूप लॉ का इस्तेमाल करेंगे मैं स्टार्ट करता हूं लूप लॉ लगाना ध्यान से देखेंगे सब लोग ठीक है पहले सबसे पहले सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ध्यान से सुनिएगा सबसे बड़ी बैटरी कौन मैं 6 वोल्ट 6 वोल्ट से करंट निकालिए

कि पूरे सर्किट में चारों ओर करंट बह रहा है लेकिन बीच के सर्किट में कोई करंट नहीं बह रहा है एक इंपॉर्टेंट बात और देखिएगा सर्किट में सारी चीजें नोन नहीं है अगर आप सोच रहे हैं करंट में झटपट फटाफट निकाल लूंगा तो देखो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि ये करंट निकालने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आर गिवन नहीं है तो इसलिए दिक्कत आएगी आपको ये सब चीजों में इसलिए बहुत प्यार से करेंगे क्वेश्चन कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे तो हम एक काम करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट कर एक लूप लॉ लगा लेते हैं कहां पर लॉ लगा लेते हैं एक ना जब दिमाग ना चला करे ना जल्दी, छोटे लूप में जल्दी से लूप लो लगाते हैं, देखते इससे क्या आंसर आएगा तो यहां से गोल घूम के जल्दी से वापस आएंगे चलो करेंट के साथ करेंट के जात माइनस आई आर तो टू इंटू आई नेगेटिव का ये चले गए लोअर पे बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हायर की तरफ तो मतलब वन वोल्ट प्लस का फिर करेंट के साथ करेंट के साथ माइनस आई यार फिर से माइनस थ्री आई फिर यहाँ से गोल घूमे गोल घूमे घुमे तो कोई करेंट है ही नहीं तो आर वन से तो कोई बात करनी नहीं है नीचे की तरफ आ रहे हैं देखो नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से लोअर से आया लोअर से आया तो फिर से प्लस थ्री यहाँ पे आ गया प्लस थ्री फिर देखो गोल घूमो गोल घूमो घूमो अब फिर से छह वोल्ट की बैटरी आ गई तो प्लस छे इक्वल्स टू जीरो

ठीक है भाई ठीक है आगे देखो आगे देखो आगे देखो अब यहां से हम करंट को कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस थ्री आई माइनस टू आई बन गया माइनस फाइव आई और एक तीन चार और छह दस ये लिख दो यहां ले आके माइनस दस तो देखो करंट कितना आ गया बच्चों करंट आ गया दुई वोल्ट ये दुई सॉरी दुई एम्पियर ये दुई एम्पियर का करंट पूरी इसकी रगो में धमाधम दुम दौड़ रहा है तो इस तरीके से दो एम्पियर का करंट हमने निकाल लिया अब हमें क्या निकालना है हमें ए और डी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो चलिए अब तैयारी करिए बैक पैक करिए से डी की तरफ जाने के लिए ए से स्टार्ट करेंगे डी पे रोक लेंगे अपने चलिए वी ए वी ए से चलते हैं स्टार्ट करें सबसे पहले फिर से माइनस आई आर अब इस बार करेंट पता है दो एम्पियर तो टू इंटू टू फोर तो माइनस का फोर ठीक है फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का वन ठीक है फिर से माइनस आई आर टू इंटू थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स ड्रॉप आगे बढ़ो अरे पहुंच गए अरे पहुंच गए डी पे पहुंच गए कंग्रेचुलेशन आप डी पे पहुंच गए हैं क्लियर तो अब क्या आप आंसर चमका सकते हैं यहां से यस yes, सर अब आप बहुत प्यार से देखें तो ये कितना हो गया माइनस दस तो वी ए माइनस दस प्लस एक कितना हो गया माइनस नौ इक्वल टू वी तो अगर मैं वी ए लिखूं जो मुझे निकालना है तो आंसर आएगा नाइन वोल्ट्स चेक योर आंसर चेक योर आंसर हां जी चेक योर आंसर आंसर क्या आया नाइन वोल्ट अरे श्रद्धा ने अपना आंसर आंसर डिलीट कर दिया मैं देख लेता हूं answer. आ, तुम अपने आप को चालाक समझ रही मैं ज्यादा चालाक हूं हूँ आंसर <laughs> देख लिया मैंने तुमने आठ लिखा था पहले आंसर आएगा नाइन ये आपका आंसर बना क्रिच वोल्टेज लॉ से रिलेटेड मजा आया एकदम जबरदस्त एकदम क्लैरिटी वाला सवाल था तो आपको लॉ लगाना पड़ेगा एक सवाल आप ढंग से नोट कर लो कि आपके सर्किट सॉल्विंग पे आएगा चलो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अपने सेल का और बैटरी का बैटरी और सेल का ओवरव्यू मैं एक बार जल्दी से देता हूं एक मिनट रुकना मैं देखू मेरे पे पावर वाले सवाल थे पहले एक मिनट रुकना एक बार पावर वाले सवाल देख लू पहले पहले पावर वाले करा दू हाँ पहले पावर वाले करा दो सर लो पहले पावर वाले कर लो फिर मैं आऊंगा बैटरी और सेल पे ठीक है चलो पावर वाले सवाल इधर देखो पावर वाले सवाल इन द सर्किट नेटवर्क शोन इन द फिगर यूज किच रूल किच तुमने पढ़ी नहीं है टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द ऑफ ओम बेटा कहने का सवाल है पढ़ो तुम देखो देखो कितनी खटाखट आंसर निकालेंगे खटाखट आंसर निकालेंगे तुम भी सोचोगे कि, कि सच्ची ऐसे ऐसे करना था ये सवाल देखो छह वोल्ट की बैटरी नीचे लगी है चार ओम का रजिस्टर लगा हुआ है सुंदर सा यहां पर एक और बारह वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और दो ओम का रेजिस्टर यहां लगा हुआ है ठीक है अकल से करना अकल से सवाल पूछ रहा है इसका पावर बताओ क्या बताओ इसका पावर बताओ अब एक कोई पागल बच्चा ही होगा जो पूरे के करंट को निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करेगा और एक कोई अकलमंद बच्चा ही होगा जो कहेगा अरे इसका तो सारा वोल्टेज इसको डायरेक्ट मिलना है तो अगर आप दिमाग लगाएं तो इस 6 वोल्ट की बैटरी का सारा वोल्टेज इस चार ओम को डायरेक्ट रहा है तो बच्चों अगर ये छह वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज सीधा सीधा चार को डायरेक्ट मिल रहा है तो बेटा फॉर्मूला लगाओ V स्क्वायर बाय आर और आंसर पाओ ये छह वोल्ट इसको पूरा दे दो ये छह वोल्ट इसको पूरा दे दो छह का स्क्वायर छत्तीस और नीचे रेजिस्टेंस चार आंसर आ गया नाइन वॉट क्लैरिटी 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 समझ में आया तो देखो ये कितना बेसिक सवाल है अब आप लगा लो किच ऑफ लॉ फ्रिच ऑफ लॉ लगाओ तब जब पूछा जाए अब अगर इसी में पूछा जाता इसके बारे में बताओ तो फिर आप इस छह वोल्ट को यहाँ यूज करते फिर वहां का करंट निकालते फिर वो सब नाटकबाजी आप करते लेकिन सवाल केवल चार ओम तक अगर लिमिटेड था वाई आर यू डूइंग मस्ती वाई आर यू डूइंग मस्ती वाय आर यू वेस्टिंग योर टाइम यू डोंट हैव टाइम तीन घंटे के पेपर को निपटाना ही बड़ा मुश्किल है आपके लिए वैसे भी तो आप जब टाइम में बड़े क्रंच चल रहा है टाइम में बड़ी दिक्कत आ रही है तो फिर क्यों टाइम पास करो सीधा लिखो वोल्ट पूरा मिला सीधा सीधा आंसर ठीक है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिसका नाम होता है पावर पावर रेटिंग अब रेटिंग क्या होती है जरा एक बार मैं इस सवाल से समझाने की कोशिश करता हूं जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम जब बल्ब खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो हम हमेशा पावर में खरीदने की हमारी गंदी आदत है भैया सौ वोट का बल्ब देना भैया साठ वोट का बल्ब देना ये गलत है गलत है क्योंकि हम कभी पावर खरीद ही नहीं सकते पावर तो जब घर आएंगे उसको जलाएंगे तब यूज होगी है ना तो इसीलिए गलती हो जाती है हम पावर खरीद के लाने लगते हैं अब हम लोग जब बोलते हैं ये 2000 हजार वोट का एसी है ये 50 वोट का पंखा है ये 150 सौ वोट की ट्यूबलाइट है जो भी हम कहते हैं ये सी एफ एल है सोलह वोट की तो हम फिर इनको ऐसे कैसे बोल देते हैं सोलह वोट की वो तो जल भी नहीं रही है वो तो पावर यूज भी नहीं कर रही है वो जब यूज करेगी तब की बात करो ना तो एक्चुअल में हम इसकी रेटिंग देते हैं रेटिंग मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज अपने मन में सोचते हैं जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 220 वोल्ट हम उस 220 वोल्ट को सोच के चलते हैं और उस 220 पे वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा हम उस पावर को बता देते हैं हम उस पावर को उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पावर रेटिंग तो हम कभी भी पी कॉमा वी अगर यूज करें क्या यूज करें पी कॉमा वी फॉर वी फॉर वोल्टेज वोल्टेज इज कॉल्ड द रेटेड वोल्टेज जो हमारे इंडिया के सिस्टम में दो वोल्टेज है और पी फॉर रेटेड पावर रेटेड पावर इसका मतलब है इस वोल्टेज पे इतनी पावर कंज्यूम होगी दोबारा इस वोल्टेज पे इतनी पावर कंज्यूम होगी लेकिन आप दुकान से खरीद के क्या लाओ असली में आप आप बल्ब खरीद के लाए पावर खरीद के लाओ आप वोल्टेज खरीद के लाओ या आप सच्ची में एक रेजिस्टेंस खरीद के लायो तो बच्चों इसका सही जवाब है आप एक रेजिस्टेंस खरीद के लाते हो हमेशा और अगर मैं देखूं कि आप वोल्टेज बदलोगे पावर बदलेगा पावर बदलोगे वोल्टेज बदलेगा लेकिन एक आदमी है जो आपका हमेशा साथ देगा वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो अगर मैं इसी का फॉर्मुला बना दू तो, तो फॉर्मुला हमारा रेजिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट बस इतना अब ये सवाल पढ़ेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दो बल्ब हैं जिनकी पावर रेटिंग है पी वन वी मतलब वी वोल्ट पे पी वन पावर कंज्यूम करेगा पीटू वी मतलब वी वोल्ट पे पीटू पावर कंज्यूम करेगा एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज पहले वो सीरीज में कनेक्ट करके रखें एंड इन पैरेलल अक्रॉस अ सप्लाई वी वी सप्लाई दोबारा दे दी गई है तो एक बार इन दो बल्ब को सीरीज में लगाया और एक बार इन्हीं दो बल्ब को पैरेलल में लगाया फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द टू कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ पी वन पीटू आपको पी वन पी टू के टर्म्स में इनकी पावर डिसिपेटेशन बतानी है चलो

इसी तरीके से अगर इन दो वॉल्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें बच्चों तो क्या होगा अब बताइए तो क्या होगा इस बार फिर से पावर का फॉर्मुला लिखेंगे V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट है क्या लिखेंगे V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट और बच्चों R इक्विवेलेंट को क्या लिख देंगे वन बाय आर ऐसे लिख दें कोई बुरा नहीं मानेगा कोई बुरा नहीं मानेगा अब ध्यान से देखो वी स्क्वायर आर स्क्वायर आर वन कैसे बनाए वी स्क्वायर बाय पी वन से <laughs> और ये कैसे बनाए वी स्क्वायर बाय पी टू से <laughs> देखो वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर को मार दिया देखो आंसर देखो कितना सुंदर आया p1 वन प्लस ठीक है तो तुम इस बात का ध्यान भी रख सकते हो कि तुम्हें सीरीज में पैरेलल का आंसर मिलेगा और पैरेलल में सीरीज का आंसर मिलेगा अगर बात तुम्हारे रेटेड पावर की हो रही है क्लियर एकदम क्लियर एकदम परफेक्ट समझ में आ गया तो देखो मैंने पावर का टॉपिक पूरा जबरदस्त तरीके से तुम्हारे दिमाग में बिठाल दी यही क्वेश्चन आएंगे पावर के v -square by R ध्यान रखना और रेटेड पावर का ध्यान रखना है दूसरे टाइप टाइप का का दूसरे का जो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है रिलेटेड टू सर्किट्स सर्किट वाले सवाल मैंने तुम्हें केवीएल और केसीएल वाले बता दिए अब मैं तुम्हें लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान है कलेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा सवाल जो से पूछे जाने वाले हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये तुमने कवर कर लिया तो तुम्हें हंड्रेड परसेंट श्योरिटी होगी तुम दिल पे याद रख के बोलोगे कि हाँ मुझे आज की क्लास में और अट्ठाइस की सुबह ही आप समझ रहे हो सत्ताइस तारीख को पेपर खत्म हुआ है आपका केमिस्ट्री का आज अट्ठाइस तारीख है अट्ठाईस तारीख की अभी दिन चल रहा है दिन में ही हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा टॉपिक निपटा लिया आप समझो कल हमने पोटेंशियल तक निपटा लिया सुबह हमने कैपेसिटेंस उठाया बारह बजे अभी दो ढाई ढाई बजने को आने वाला है दो ढाई बजे हमने क्या निपटाने वाले हैं करंट निपटाने वाले हैं इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे फिर शाम को रात में फिर मिलेंगे आठ से नौ बजे के बीच में फिर नौ बजे जाएंगे आपके साथ और आपको निपटवा देंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आज ही तक आप ये मान के चलिए हमारी पहली आधी किताब कंप्लीट हो जाएगी मतलब पहली किताब हमने पूरी निपटाने वाले हैं हमारा सिलेबस फिफ्टी परसेंट हम आज मोस्टली फिफ्टी परसेंट सिलेबस कवर कर लेंगे आज नहीं तो कल सुबह तक फिफ्टी परसेंट सिलेबस निपटा देंगे यही यही है रिवीजन का तरीका आप क्या सोच रहे हो छह दिन आप क्या रिवीजन ही करते रहोगे नहीं छह दिन में से एंड के दो दिन करोगे तुम प्रैक्टिस केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल न्यूमेरिकल सी न्यूमेरिकल केवल थ्योरी थ्योरी खूब सारे टेस्ट सैंपल पेपर पेपर्स जितने अभी तक आए हैं उन सबके टेस्ट देने कम से कम पांच आठ टेस्ट देंगे तब जाके मजा आएगा ठीक है चलो अब तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी बताता हूं यस करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें लास्ट टॉपिक बताता हूं बैटरी कॉम्बिनेशन अब बैटरी क्या होती है भैया ये बैटरी बड़ी खतरनाक सी चीज है तो एक बार तुम्हें सेल और बैटरी का ओवरव्यू दे देता हूँ सब लोग ऐसा है।, है जिसका काम होता है कि बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो जितना ये सोचती है कि मैं सप्लाई कर दूंगी आप दुकान से जब खरीद के लाते हो उसपे लिखा है चार वोल्ट तो जितना आप सोचते हो चार वोल्ट दे देगी एक्चुअल में चार वोल्ट दे नहीं पाती क्यों क्योंकि इसके पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस तो उस वजह से जो ये अप्लाइड वोल्टेज जो हम सप्लाई करती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज वो टर्मिनल वोल्टेज इसके मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज का तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है अगर तुम किसी बैटरी को जिसका इंटरनल है आर अगर तुम उससे करेंट ले रहे हो या उससे करेंट दे रहे हो तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और सिमिलरली अगर तुम केवल बैटरी केवल बैटरी के ऊपर लिखे हुए वैल्यू को नाप रहे हो अंदर केमिस्ट्री की वजह से जो वैल्यू आ रही है वो नाप रहे हो तो उसको बोलते हैं ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ तो ई एम एफ केवल ई e होता है जो कि तुम्हारी एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज नहीं होती है तो ई एम एफ जो ऊपर लिखा रहता है चार वोल्ट की बैटरी आठ वोल्ट की बैटरी वो उसका ई एम एफ होता है और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नापने पे आ गए वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस नापने आ गए दैट इज नॉट ईएमएफ दैट इज टर्मिनल वोल्टेज अब टर्मिनल वोल्टेज में आपको वैसे तो मैं चार बातें बताता हूं बट अभी आपको मेरे हिसाब से केवल दो बातें ध्यान रखनी है ठीक है टर्मिनल वोल्टेज में दो बातें ध्यान रखेंगे दो से काम चल जाएगा बोर्ड्स के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है ई माइनस आई आर अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है देखो जब आप डिस्चार्ज हो रहे होंगे लगा के देख लो तो इलेक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ साथ आपको अपना रेजिस्टर भी वोल्टेज करवाना पड़ेगा आपका वोल्टेज खा रहा है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर आता है ये आपको ध्यान रखना है टर्मिनल वोल्टेज आएगा E माइनस आई आर ई क्या है जो करंट आपकी बैटरी से ड्रॉ किया गया खींचा गया R क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ठीक है ये टर्मिनल वोल्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट आएगा e का याद रखना है और अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि आपसे बोला गया कि सुनो 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 गांव वालों आपका करंट है ही नहीं तो फिर बैटरी का अगर, अगर अपन नापे वोल्टेज को बिना करंट के इसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल नॉन फंक्शनल बैटरी बेटा अगर नॉन फंक्शनल है मतलब करंट है ही नहीं अगर करंट है ही नहीं तो फिर तो तुम समझ जाना तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और तुम्हारा सेम है। है, का काम करते हैं है। सवाल बताऊंगा उसमें दो ग्राफ बनवाऊंगा वो दोनों ग्राफ अच्छे से याद रखेंगे ठीक है अभी बस इतनी बातें ध्यान रखना नेक्स्ट बैटरी के कॉम्बिनेशन बैटरी के दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं एक टाइप का कॉम्बिनेशन होते जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपकी बैटरी क्या होती है लाइन से लगी हुई होती है अगर ऐसे लाइन से बैटरी लगी हुई है जिसके सवाल कम आते हैं लेकिन फिर भी सुन लो ऐसे अगर लाइन से लगी हुई है तो आपको सीधा बैटरी जोड़ देनी होती है अगर आपको लग रहा है सारी बैटरी एक ही तरफ करंट चलाना चाहती है तो ईवन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर और रेजिस्टेंस कैसे जोड़ दें आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर फोर अगर एक का बैटरी भी पलट गई तो फिर ईवन प्लस ई टू माइनस ई थ्री जो पलटी उसको माइनस करना पड़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी एड ही करने पड़ेंगे तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती वो सब आप लोगों को समझ में आता है मजा कहां आता है मजा आता है पैरल कॉम्बिनेशन में पैरल कॉम्बिनेशन में आपको मैं एक जबरदस्त बताऊंगा जो जबरदस्त फॉर्मूला आपको आज के बाद ध्यान है। अगर तीन या चार बैटरीज है जिनके ई एम एफ है ई वन कॉमा आर वन ई टू कॉमा आर टू थ्री कॉमा आर थ्री तो इनको जोड़ने का तरीका है इसको मिला के एक नया बैटरा बनाने बैटरी का बैटरा बैटरा बनाने का तरीका है ई ईक्ट बाय आर इक्ट इक्व टू वन बाय आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री यह तुम्हारे ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वलेंट का फॉर्मला है बच्चों इसी फॉर्म में याद रखेंगे इसलिए आपको रटने में भी दिक्कत नहीं आएगी ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वलेंट इक्व टू

क्लियर तो मैं फिर से बोलता हूँ दो बातें ध्यान रखेंगे सारी बैटरी को जोड़ने का तरीका अगर सीरीज है साधा जोड़ना साधा जैसे रजिस्टर जोड़ते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री वैसी बैटरी ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री एक आप पलट गई माइनस कर देना अगर पैरल है तो मत जोड़ देना वन अपॉन ई वन अरे ए ऐसे नहीं जोड़ते ठीक जोड़ेंगे ई वन बाय आर वन प्लस ई इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट और वन बाय इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वन बाय आर ये तो पैरल का आंसर राइट

क्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस आर ठीक है एक सेल है जिसका ई एम एफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इसको कनेक्ट करके रखा है आपने एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस आर के ठीक है एक बाहर का रेजिस्टेंस है जिसका नाम है आर वेरिएबल है वेरिएबल है ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ ध्यान से देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज विद आर, एक बार आर बदल बदल के जरा ग्राफ बना के दिखाओ टर्मिनल वोल्टेज का और एक बार करंट बदल बदल के ग्राफ बना के दिखाओ टर्मिनल वोल्टेज का बिल्कुल हाईलाइट कर लो अभी मैं इसको जैसे ड्रॉ कर दूंगा ना तुम स्क्रीनशॉट लेना ले इसका क्योंकि तुम्हें यह काम आना है एंड मूवमेंट में रिवाइज करना है ठीक है अब दो ग्राफ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अगर मैं वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसको वेरी कराऊ और एक अगर मैं करंट को वेरी कराऊं ध्यान से देखना कैसे करेंगे सबसे पहले आप एक सर्किट बनाइए अपने मन 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 में एक मन मन में हाँ, में सर्किट बनाइए बनाइए क्यों क्यों कॉपी एक बनाइएफ ले लीजिए ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दीजिए छोटा आर ठीक है आराम से कर लिया ये चीज अब आराम से बताइए टर्मिनल वोल्टेज मैंने अभी क्या सिखाया सर आपने अभी टर्मिनल वोल्टेज सिखाया है ई माइनस आई आर तो टर्मिनल वोल्टेज बन गया आपका E minus IR है ना भाई E minus IR R देखिएगा छोटा वाला लगेगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होता है यहां तो E minus IR बिल्कुल सही सर और I कितना होगा सर करंट निकाल ले क्या निकालो बेटा करंट करंट कितना बनेगा सर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है E रेजिस्टेंस कितना है R प्लस आर हा देखा भाई तो रेजिस्टेंस तो दो है ना इसके अंदर एक तो लोड और एक इंटरनल तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस आर इससे करेंट बन गया बिल्कुल बन गया ये करेंट उठा के वहां रख दो तो तुम्हें पहला आंसर मिल जाएगा ध्यान से ध्यान से से सुनिएगा वोल्टेज टू माइनस देखिएगा अपॉन तुम चाहो तो इसमें से ई कॉमन ले सकते हो मुझे कोई दुख नहीं होगा तुम्हें भी कोई दुख नहीं होगा अगर तुम चाहो तो इसमें से ई कॉमन ले लो अंदर देखो क्या बसता है छोटू अंदर देखो आर अपॉन आर प्लस आर है बचा बचा आर अपन आर प्लस आर बचा बिल्कुल बचा सर बिल्कुल बचा सर अब ध्यान से देखो इस आर को बढ़ा के क्या होगा आराम से करना आराम से गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी जो ग्राफ बताने वाला हूं ये ग्राफ वैसे तो तुम्हें याद रखना है लेकिन कैसे पहुंचते हैं उस ग्राफ तक उसका भी लॉजिक दे रहा हूं अगर आर बढ़ाओगे तो क्या होगा ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा ये ओवरऑल टर्म घटेगा और ये घटेगा तो ये वैसे भी माइनस हो रहा था <Island> <wave> तो मतलब जो चीज माइनस हो रही है वो घटेगी वो घटेगी तो हमारे हमारा प्रॉफिट होगा हमारा ई या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्म में वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर से बोलता हूं आर बढ़ेगा डिनोमिनेटर घटेगा दोबारा बोलू आर बढ़ेगा डिनोमिनेटर घटेगा डिनोमिनेटर घटेगा न्यूमरेटर बढ़ेगा आर बढ़ेगा सॉरी आर बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा न्यूमरेटर घटेगा न्यूमरेटर घटेगा न्यूमरेटर घटेगा माइनस हटेगा माइनस हटा तो मतलब ओवरऑल कम टर्म माइनस हुआ ये टर्म कम हो रहा है तो टर्म, टर्म माइनस कम हो रहा है माइनस कम हो रहा है इसलिए वोल्टेज बढ़ रहा है बढ़ रहा है मतलब आर बढ़ने से वोल्टेज बढ़ेगा तो अब इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा आर बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है उसका ग्राफ इस तरीके का बनता है ये ग्राफ तुमने अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो सीधा बोल रहा हूं पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं तुमसे है ना मस्ती नहीं कर अब यहां तो आर यहां वोल्टेज यहां ग्राफ ऐसा बढ़ता हुआ ग्राफ और सर ये कहां तक बढ़ जाएगा कहां तक जब तक आर इंफिनिटी नहीं हो जाता आर इंफिनिटी हो गया तो वोल्टेज ई से मैच कर जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये ई है ये कब मैच होगी जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट चला जाएगा वो होना नहीं है कभी इसलिए मैच मत कराना कभी ठीक है ये तुम्हारा पहला ग्राफ हुआ दूसरा ग्राफ सच में आसान है किसका अब देखो पहला ग्राफ किसके साथ बना लिया लोड के साथ दूसरा ग्राफ किसके साथ बनाना है तुम्हें? करंट करंट के साथ। अब e e हा इसी का ग्राफ बनाना है किसके साथ करंट के साथ देखो कितना सुंदर है वोल्टेज और करंट एक दूसरे के आमने सामने इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स यहां देखो एम सी दिख रहा है कैसा दिख रहा है स्ट्रेट लाइन एम की जगह कौन आ रहा है आर सी की जगह कौन आ रहा है ई e. दिख रहा है फीलिंग आ रही है वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी वाली फीलिंग आ रही है बस जिसको वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी वाली फीलिंग आ गई वो समझ गया स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव इस तरीके का ग्राफ बनेगा

तो इस करंट की वैल्यू होती है e by R. ये तीन बातों पे आईआईटी के भी क्वेश्चन आते हैं नीट के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में तो आप देख ही रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है भैया पीडीएफ में डाल दूंगा डेरिवेशन uh, वाले सारे डेरिवेशन डाल दूंगा डेरिवेशन से डरना मत बिल्कुल मत डरना डेरिवेशन सारे डेरिवेशन डाल दूंगा वो तो सारे डेरिवेशन उठा के कर लेना ठीक है जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो पांच से सात में यहां ही रहे हैं पांच से सात में सारे डेरिवेशन हम यहाँ पे करवा देंगे आपको ठीक है और जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके डेरिवेशन की पीडीएफ डालूंगा बढ़िया तरीके से डेरिवेशन कर लेना कोई समस्या नहीं होगी ठीक है चलो इधर देखो देखो आराम से ये क्लैरिटी आ रही है समझ में आ रहा है वोल्टेज हाँ टर्मिनल वोल्टेज का करेंट के साथ का ग्राफ है कैसा ग्राफ है लीनियर स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी डन क्लैरिटी हो गई यहां तक यस yes, सर यहां तक समझ में आ गया तो ये जितना भी अभी तक मैंने बताया ये बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज से रिलेटेड था लेकिन क्या मैंने बैटरी के कॉम्बिनेशन पर कोई सवाल कराया अभी तक नहीं सर तो एक सवाल अब बैटरी के कॉम्बिनेशन के नाम तो जरा ध्यान से देखिएगा अगला सवाल मैं किस पे करा रहा हूं बैटरी के कॉम्बिनेशन पे आधारित सवाल करा रहा हूं और ये सीबीएसई बी दो के पेपर में चमका था तो आपको भी चमकना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं चलो स्टार्ट कर रहा हूं टू आर थ्री आर एंड सिक्स आर तीन सेल है तीन सेल सबका ई एम एफ ई है लेकिन इंटरनल कितने टू आर थ्री आर सिक्स आर आर कनेक्टेड इन पैरल अक्रॉस द रजिस्टर आर और इनको पैरेलल में लगाया गया है एक रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस डायग्राम बनाओगे चलो पहले डायग्राम बना दे ए बोंदू डायग्राम बना ले चल ई आर ई आर बार ई e कितने तीन ई टू आर ई थ्री आर ई सिक्स आर ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए ई टू आर ई थ्री आर ई सिक्स आर ये तीन बैटरी हो गई और इनको कनेक्ट कर दे बूंदू किसके आर आर के आर के सवाल देखो कितना सिंपल सा पूछा है बताओ करंट कितना बहेगा सर्किट में।, में कितना खून बहेगा सर्किट में कितना करंट बहेगा सर्किट में और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज बता देना जो फाइनल सेल बनेगा फाइनल सेल के अक्रॉस आंसर बता देना पहले एक काम करो इन तीन बैटरी को जोड़ के बैटरा बनाओ मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे जल्दी से जल्दी करते हैं तीन बैटरी को जोड़ के बैटरा बनाना जानते हैं चलो जल्दी करें। चलो पहले रेजिस्टेंस निकाल लो तो बेटा तीन, तीन का होता है दो, six into three upon six plus three, ये सिक्स इंटू थ्री और दो, दो का हो गया एक तो क्लियरिटी हो गई एक। तो एक तो कि इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाला है केवल आर अब ई की बात करते हैं थ्री बाय आर थ्री सिक्स है इंटू आर इक्ट आर यह बन जाएगा आप सोल्व कर रहे हो मेरे को तो ऐसी दिख रहा तो है मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है इसका आंसर ई ही आ रहा है।, इसका रहा है आ रहा नहीं आ रहा है आ रहा नहीं आ रहा है ई ही आ रहा है नहीं आ रहा है सब लोग बताओ जल्दी से जल्दी बताओ आ रहा है इसका तो इसका ई एम एफ ई ही आ रहा है फॉर्मूला लगा के ई वन बाय आर वन प्लस दोबारा रिपीट हो रहा है भैया जी ठीक है अब इसको लगा दो एक और रेजिस्टेंस आर ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आंसर क्या आप तुम करंट निकालने में शर्माओगे नहीं सर बिल्कुल नहीं शर्माएंगे हम वैसे भी बेशर्म है अरे निकालो भैया ये करंट कैसे निकलेगा करंट निकलेगा E.M.F. Upon resistance. और 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 कितना हो गया गया R R R R 2R 2R तो 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 अगर आर आर लिख आर, तो ये देखिए मेरा पास आ पहला एकदम है लगा के मैंने इसको चटका दिया अगला देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा टर्मिनल पोटेंशियल प्लीज नाक मत कटवाना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी सिखाया मैंने माइनस आर टर्मिनल पोटेंशियल अभी भी सिखाया E माइनस आई आर आ जाओ आयार आयार आई आई कितना है ई बाई टू आर ई बाई टू आर इन टू आर आर ने आर को मारा E माइनस ई बाई टू देखो देखो गांव वालों E बाय टू आंसर आ रहा है यस दो हजार के पेपर का टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ लिया देखो इनडायरेक्टली टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ लिया बैटरी का कॉम्बिनेशन भी करवा लिया क्लियर एकदम परफेक्ट दिमाग तो बच्चों आज की टॉपिक लिस्ट देखिए आपने क्या क्या रही आज हमने कैपेसिटेंस को चटकाया विद प्रॉपर थ्योरी विद प्रॉपर जो बीच बीच में ओवरव्यू थ्योरी होनी चाहिए हमारे पास और साथ में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चटका दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके अलावा एक भी कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको केवल अब दो चीजों पर प्रैक्टिस करनी है पहला

और अगर आपको लगता है कि डेरिवेशन के लिए अलग से कुछ करना है तो हम छोटा मोटा आपके लिए आ, एंड मोमेंट में कुछ प्लान कर देंगे डेरिवेशन के लिए ऑनलाइन में ठीक है ऑफलाइन के लिए तो यहाँ पर चलता रहेगा माहौल बना रहेगा क्योंकि पेपर का माहौल है भाई इट्स लाइक अ फेस्टिवल जैसे छह सात दिन की फेस्टिवल होते हैं ना छह दिन सात सात दिन चलते दिवाली का वीक चलता है ऐसे हमारा वैसे ही फेस्टिवल का वीक है हमारे चार तारीख तक का ठीक है तो आज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस इस सुबह दिन की क्लास में निपटाया है अब शाम के समय पे हम दोबारा मिलने वाले हैं और हम मिलेंगे आपके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट एंड मैटर एंड मैग्नेटिज्म क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे बाकी लोग अभी पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले आगे बढ़ जाएंगे और अपनी पहली किताब को जल्दी समाप्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ठीक है भाई मिलते हैं शाम को हाँ भाई

इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भैया कितनी बार बोलना पड़ेगा आप क्यों मेरी बातों को नहीं सुनते इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पीडीएफ बना के डाल रहा हूं मैं अपनी ऐप पर मैं अपनी ऐप पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के पीडीएफ डाल रहा हूं उसमें सारे लाइन से लिखे हुए पहले डाईपोल है फिर ये है फिर वो सब लाइन से लिखे हुए हैं आप उस पीडीएफ को देख लेना बस आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करके जाना है ठीक है एनी अदर क्वेश्चन एनी वन एल्स सर जी पास करा दो यार अरे यार पास करा दो तो यार ये साल भर की मेहनत तो यार काम आएगी आएगी बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेरवेशन और इन छोटे छोटे से से कम कम बट बट दिस इज नॉट फॉर पासिंग सेवेंटी सेवेंटी का हम लोग थोड़ा कल्चर फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है ठीक है भाई ओके okay बच्चों मिलते हैं शाम को थैंक यू सो मच मिलते हैं रात के समय रात के समय मिलेंगे ध्यान रखिएगा जितने बच्चे जुड़े हुए हैं रात के लिए नोटिफाई मी जरूर करिएगा हम आपको लिंक भेज देंगे आप लोग का अगर हमसे अभी कनेक्टेड नहीं है तो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में भी ऐप की लिंक डली हुई है तो वो लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से आपको आइडिया लग जाएगा ओके okay, मिलते हैं शाम को या रात को थैंक यू सो मच